आठ दिन बचे हैं, आठ दिन के बाद कुछ ऐसा होगा कि शायद नक्शे से नामो निशान मिट जाए यूक्रेन का। रूस कुछ ऐसा करने वाला है, क्या उसकी तैयारियां नजर आ रही? समीर, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही, लेकिन न्यूक्लियर अटैक का जहां सवाल है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन ये जो बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे हैं, फाइटर्स फ्लाई कर रहे हैं, इवन देखा आपने दिखाया कि हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग करके भी टारगेट कर रहा है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन तभी होता है जब पूरी एयर सुपीरियरिटी गेन कर लेता है। मीन्स रशिया, इट मीन्स कि रशिया ने काफी गेन कर रखा है और यूक्रेन की जो एयर डिफेंस इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो लो फ्लाइंग और स्लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को भी नहीं टारगेट कर पा रहे हैं। लेकिन जहां तक 24 का सवाल है, आप पूरी तरह सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही। अगर ये डोनबास रीजन में अगर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते अटैक करने के लिए, तो ये छिटपुट अटैक रिमोट यूक्रेन में, मे बी ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन में कुछ ब्लास्टिक मिसाइल्स का स्ट्राइक होगा, जिसमें पब्लिक के लिए एक न्यूसेंस होगा, दैट विल जनरेट एन नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द 24 तारीख को लेकर हर तरह का अनुमान लगाया जा रहा। और स्पीच देखिए, डोनेस्क में रूस ने यूक्रेनी आर्मी के खिलाफ खोला मोर्चा, रूसी ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट कई इलाकों में, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी बारिश, रूस के हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। और रूसी परमाणु बे बॉम्बर ने भी उड़ान भरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी सीमा के पास रूसी बॉम्बर्स की ये उड़ान क्या बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि अलास्का के पास रूस ने क्या एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। अब रूस की तरफ से बकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया है। और अब इसके बारे में कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं। रूसी बॉम्बर की उड़ान अमेरिका को सीधा चैलेंज, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे समझिए। अलास्का के पास रूस के दो TU-95 मिसाइल बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है, अमेरिकी एयर स्पेस के काफी करीब ये देखा गया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर पहुंच गया अमेरिकी सीमा के पास, उड़ान भरते हुए नजर आया है। और रूस ने भी अपनी ताकत दिखाई है। पुतिन के पोलैंड दौरे से पहले रूसी बॉम्बर्स की उड़ान, बाइडेन को डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है। बॉम्बर्स उड़ाकर रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है और कहा यह भी जा रहा है कि अब पुतिन के जो इरादे हैं वो काफी विध्वंसक हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी सर, क्या इसे सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधा चैलेंज रूस की ओर से माना जाए? अगर न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं, 13-13 घंटे तक आसमान में रहते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, ये लड़ाई जो चल रही है इसमें दोनों साइड्स, जिसको कहते हैं कि ये वॉर ऑफ डिटरेंस है और कौन पहले आंख झपकाता है उसकी वाली बात है जी। एक तरफ से अमेरिका और पूरे EU कंट्रीज और जितने भी नेटो कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करके, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लड़ाई को एक्सटेंड करते जा रहे हैं यूक्रेन में। दूसरी तरफ रशिया ये दिखा रहा है, पहली चीज़, मैं AVM तिवारी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि न्यूक्लियर वॉर की कोई संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि दोनों के पास सेकेंड एंड थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, तो ना अमेरिका तैयार होगा ना रशिया तैयार होगा। ठीक है, इन पास भी नहीं हुआ था। और जो बहुत बड़ी चीज जो इस पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है इसमें आधे से ज्यादा इट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितना एमिनेशन वो दिखा रहे हैं जो उड़ाया जा रहा है, दुनिया का एमिनेशन पिछले एक साल के अंदर एक महीने में खत्म हो चुका होता और 11 महीने से कोई एमिनेशन नहीं बचता, चाहे कितनी भी एमिनेशन बनाना शुरू कर दे। तो ये जो दिखाया जा रहा है इट इज मच लेस। ठीक है, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाया जा रहा है, उनमें अंतर करना पड़ेगा। नेटो देशों में रूस के फाइटर जेट्स की इस बीच डायरेक्ट घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। पोलैंड एयर स्पेस में दिखे रूस के 3 फाइटर जेट्स, ये बड़ी घटना है। नेदरलैंड्स के 2 F-35 ने रूस के फाइटर जेट्स को रोका। नेदरलैंड्स के रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड को इसकी जानकारी दी है। 13 फरवरी को देर रात विमान को इंटरसेप्ट किया गया। तो देखिए, कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु, बहुत कुछ ऐसा है जो वाया बेलारूस घटता हुआ नजर आ रहा है, बहुत कुछ वाया पोलैंड हो रहा है, क्या समझ पा रही हैं आप?
समीर, आपने बिल्कुल सही बात कही। एक तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तो चल ही रहा है दोनों देशों, या मैं कहूं कि नाटो वर्सेस रशिया के बीच, इसके साथ साथ दोनों ही अपने नए नए चेहरे लेकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है, वो अमेरिका की एयर स्पेस में अपने जासूसी बलून्स भेज रहा है। यहाँ आप देखिए तो रशियन फाइटर जेट्स जो हैं वो नाटो कंट्रीज की एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर आप जब नाटो कंट्रीज को देखेंगे तो वो अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करके रशिया को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के होते हुए एक साल तक ये युद्ध चल गया और अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है। ये बड़ी एक दुखद बात है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि पुतिन एक जो पीस मील अप्रोच अपनाते आए थे कि एक एक जगह हमला कर रहे थे यूक्रेन पर, अब शायद वो अजाइल स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि एक साथ कई सारे ठिकानों को टारगेट करके शायद एक साल पूरा होने पर वो हमला करें। नहीं, ठीक है, लेकिन इतनी तो बात तय है कि बेचैनी पूरे यूरोप की और दुनिया की बढ़ी हुई है। जिस तरह की तैयारियां, जिस तरह की हलचल इस वक्त रूस में और इस पूरे रीजन में नजर आ रही हैं, और इधर बाल्टिक सी में रूस की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। रूस ने की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती, नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है। रूस के इस कदम से पोलैंड स्वीडन की टेंशन बढ़ी हुई है। तो नॉर्वे की खुफिया एजेंसी की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन के बीच देखिए तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टेंशन में और इजाफा हुआ है। बाल्टिक सी में दरअसल रूस के इस बड़े एक्शन के मायने क्या हैं, मतलब क्या हैं? रूस ने जो परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की है, ये आखिर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? रवि, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये जो तैयारियां हैं समीर, यही तो चिंता का विषय है। जितने अनुमान, जितने आकलन और जितना डर भय न्यूक्लियर वॉर का दिखाया जा रहा है, उस सब के पीछे ये सारी पोस्चरिंग है। अब ये रियल है या सिर्फ धमकाने, डराने या भय पैदा करने की कोशिश है, ये तो पुतिन ही जानते हैं। बिल्कुल, और देखिए पुतिन का न्यूक्लियर वेपन नाटो को कैसे दे रहा है भारी टेंशन। अब इससे जुड़ी अहम डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 30 साल में पहली बार रूस ने बाल्टिक सागर में परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी है। पनडुब्बी लंबी दूरी तक मार करने वाली है, घातक क्रूज मिसाइलों से लैस है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार इलाके में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की गई है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। रूसी सबमरीन पर न्यूक्लियर वेपन नाटो के लिए दरअसल बहुत बड़ा खतरा है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। चतुर्वेदी जी, इस रीजन में यह जो टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, यह आखिर किस मकाम तक जा सकती है आने वाले वक्त में? आसार क्या नजर आते हैं? देखिए, ये जो आपने नॉर्थ, ये बाल्टिक सी की बात करी है, अगर बाल्टिक सी से आप एज ए क्रो फ्लाइज देखा जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ 350 किलोमीटर है। तो विद फिनलैंड गोइंग टूवर्ड्स नेटो, स्वीडन गोइंग टूवर्ड्स नेटो, ये रीजन जो है ये रशिया के लिए इसका जो बैक साइड में प्रॉब्लम देने वाला था। तो ये जो उन्होंने पनडुब्बी तैयार किया, वो सब जितने नेटो के साथी हैं, चाहे वो बाल्टिक रिपब्लिक्स हो, सब उधर से गायब हो जाएंगे। तो ये एक तरह से उनका एक डेटरेंस का एक्शन है, जिससे कि उनके अपने जो मेन लैंड को उसको बचाने के लिए। और इसको हमें देखना चाहिए साथ में दो चीज़ें और, ख़ास तौर पर अगर आप देखिए स्नेक आइलैंड पर उन्होंने जो ब्लैक सी में कब्जा कर लिया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया यूक्रेन ने। दूसरा, सुमी और खार्की पे वो बमबारी कर रहे हैं। तो ये जो दिखा रहे हैं, जिससे कि जितना कि बाकमुक के ऊपर जो यूक्रेन का और खेरसोन पे है, वो यूक्रेन का वो जोर कम हो जाए, और जिससे कि उनको जो उनके डॉनबास एरिया में जो, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉर जोन से आ रही हर बड़ी खबर पर अपडेट के साथ। हम हाजिर हैं आपके साथ, मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर, अंजलि और रवि भी कर रहे हैं हमें ज्वाइन। एक एक बड़ी खबर और एनालिसिस। 24 फरवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है और तेजी से बदल रहे घटनाक्रम ने क्या पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है? बड़ा सवाल, क्योंकि दो दिन बाद पुतिन जा रहे हैं बेलारूस, वहीं बाइडेन भी 20 से 22 फरवरी तक रहेंगे पोलैंड में मौजूद। जी हाँ सुरभि, दो महाशक्तियां सीधे सीधे महायुद्ध की तरफ एक तरह से कहा जा सकता है बढ़ रही हैं। एक तरफ रूस बेलारूस से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं रूस ने बाल्टिक सी में परमाणु पनडुब्बी तैनात कर पोलैंड की भी टेंशन बढ़ा दी है।
अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर पुतिन ने सीधे सीधे बाइडेन को चैलेंज किया है। रूस यूक्रेन युद्ध और बाइडेन पुतिन में तनातनी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, और सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की एक बड़ी तैयारी है। बेरेंट्स सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान भर दी है। नॉर्वेजियन सी के ऊपर भी रूस ने बॉम्बर्स उड़ाए हैं। तो एक बार फिर से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो गया है, क्योंकि 24 फरवरी की तारीख बेहद नजदीक आ गई है। 24 फरवरी जब एक साल पूरे हो जाएंगे यूक्रेन पर रूस की ओर से किए गए हमले को लेकर, और व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को ये सख्त निर्देश दिया है कि 24 फरवरी तक एक बड़ा टारगेट अचीव कर लेना है यूक्रेन के ऊपर। तो देखिए रूस की महाविध्वंसक तैयारी क्या है, रूस आखिर करना क्या चाहता है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है। बेरेंट सी और नॉर्वेजियन सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं। मकसद क्या है यह जानने की कोशिश होगी। दोनों न्यूक्लियर बॉम्बर्स 13 घंटे तक हवा में रहे। हवा में ही दोनों बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग भी हुई। MiG-31 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट किया, और उसकी कुछ बहुत खास तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तिवारी साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन तैयारियों को ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि सिर्फ 8 दिन बचे हैं, 8 दिन के बाद कुछ ऐसा होगा कि शायद नक्शे से नामो निशान मिट जाए यूक्रेन का, रूस कुछ ऐसा करने वाला है, क्या उसकी तैयारियां नजर आ रही? समीर, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही, लेकिन न्यूक्लियर अटैक का जहां सवाल है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन ये जो बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे हैं, फाइटर्स फ्लाई कर रहे हैं, इवन देखा आपने दिखाया कि हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग करके भी टारगेट कर रहा है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन तभी होता है जब पूरी एयर सुपीरियरिटी गेन कर लेता है। मीन्स रशिया, इट मीन्स कि रशिया ने काफी गेन कर रखा है, और यूक्रेन की जो है डिफेंस इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो लो फ्लाइंग और स्लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को भी नहीं टारगेट कर पा रहे हैं। लेकिन जहां तक 24 का सवाल है, आप पूरी तरह सहमत हूँ, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही। अगर ये डोनबास रीजन में अगर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते अटैक करने के लिए, तो ये छिटपुट अटैक रिमोट यूक्रेन में, मे बी ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन में कुछ ब्लास्टिक मिसाइल्स का स्ट्राइक होगा, जिसमें पब्लिक के लिए एक न्यूसेंस होगा, दैट विल जनरेट एन नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द 24 तारीख को लेकर हर तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। और स्पीच देखिए, डोनेस्क में रूस ने यूक्रेनी आर्मी के खिलाफ खोला मोर्चा, रूसी ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट कई इलाकों में, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी बारिश, रूस के हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। और रूसी परमाणु बम बॉम्बर ने भी उड़ान भरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी सीमा के पास रूसी बॉम्बर्स की ये उड़ान क्या बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि अलास्का के पास रूस ने क्या एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। अब रूस की तरफ से बकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया है। और अब इसके बारे में कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं। रूसी बॉम्बर की उड़ान अमेरिका को सीधा चैलेंज, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे समझिए। अलास्का के पास रूस के 2 TU-95 मिसाइल बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है, अमेरिकी एयर स्पेस के काफी करीब ये देखा गया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर पहुंच गया अमेरिकी सीमा के पास उड़ान भरते हुए नजर आया है, और रूस ने भी अपनी ताकत दिखाई है। पुतिन के पोलैंड दौरे से पहले रूसी बॉम्बर्स की उड़ान, बाइडेन को डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है। बॉम्बर्स उड़ाकर रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है, और कहा यह भी जा रहा है कि अब पुतिन के जो इरादे हैं वो काफी विध्वंसक हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी सर, क्या इसे सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधा चैलेंज रूस की ओर से माना जाए? अगर न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं, 13-13 घंटे तक आसमान में रहते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, ये लड़ाई जो चल रही है इसमें दोनों साइड्स
जिसको कहते हैं कि ये वॉर ऑफ डिटरेंस है और कौन पहले आंख झपकाता है उसकी वाली बात है जी। एक तरफ से अमेरिका और पूरे ईयू कंट्रीज और जितने भी नेटो कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करके कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लड़ाई को एक्सटेंड करते जा रहे हैं यूक्रेन में। दूसरी तरफ रशिया ये दिखा रहा है, पहली चीज़ मैं एवीएम तिवारी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि न्यूक्लियर वॉर की कोई संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि दोनों के पास सेकेंड एंड थर्ड स्ट्राइक केपेबिलिटी है, तो ना अमेरिका तैयार होगा ना रशिया तैयार होगा, ठीक है, इन पास भी नहीं हुआ था। और जो बहुत बड़ी चीज जो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है इसमें आधे से ज्यादा इट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जितना एमिनिशन वो दिखा रहे हैं जो उड़ाया जा रहा है, दुनिया का एमिनिशन पिछले एक साल के अंदर एक महीने में खत्म हो चुका होता और 11 महीने से कोई एमिनिशन नहीं बचता, चाहे कितनी भी एमिनिशन बनाना शुरू कर दे। तो ये जो दिखाया जा रहा है इट इज मच लेस, ठीक है, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाया जा रहा है, उनमें अंतर करना पड़ेगा। नेटो देशों में रूस के फाइटर जेट्स की इस बीच डायरेक्ट घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। पोलैंड एयर स्पेस में दिखे रूस के 3 फाइटर जेट्स, ये बड़ी घटना है। नेदरलैंड्स के 2 F-35 ने रूस के फाइटर जेट्स को रोका। नेदरलैंड्स के रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड को इसकी जानकारी दी है। 13 फरवरी को देर रात विमान को इंटरसेप्ट किया गया। तो देखिए कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु, बहुत कुछ ऐसा है जो वाया बेलारूस घटता हुआ नजर आ रहा है और बहुत कुछ वाया पोलैंड हो रहा है, क्या समझ पा रही हैं आप? समीर, आपने बिल्कुल सही बात कही। एक तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तो चल ही रहा है दोनों देशों, या मैं कहूँ कि नाटो वर्सेस रशिया के बीच, इसके साथ साथ दोनों ही अपने नए नए चेहरे लेकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है, वो अमेरिका की एयर स्पेस में अपने जासूसी बलून्स भेज रहा है। यहाँ आप देखिए तो रशियन फाइटर जेट्स जो हैं वो नाटो कंट्रीज की एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर आप जब नाटो कंट्रीज को देखेंगे तो वो अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करके रशिया को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के होते हुए एक साल तक ये युद्ध चल गया और अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है। ये बड़ी एक दुखद बात है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि पुतिन एक जो पीस मील अप्रोच अपनाते आए थे कि एक एक जगह हमला कर रहे थे यूक्रेन पर, अब शायद वो अजाइल स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि एक साथ कई सारे ठिकानों को टारगेट करके शायद एक साल पूरा होने पर वो हमला करें। नहीं, ठीक है, लेकिन इतनी तो बात तय है कि बेचैनी पूरे यूरोप की और दुनिया की बढ़ी हुई है। जिस तरह की तैयारियां, जिस तरह की हलचल इस वक्त रूस में और इस पूरे रीजन में नजर आ रही हैं, और इधर बाल्टिक सी में रूस की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। रूस ने की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती, नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है। रूस के इस कदम से पोलैंड स्वीडन की टेंशन बढ़ी हुई है। तो नॉर्वे की खुफिया एजेंसी की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन के बीच देखिए तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टेंशन में और इजाफा हुआ है। बाल्टिक सी में दरअसल रूस के इस बड़े एक्शन के मायने क्या हैं, मतलब क्या हैं? रूस ने जो परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की है, ये आखिर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? रवि, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये जो तैयारियां हैं समीर, यही तो चिंता का विषय है। जितने अनुमान, जितने आकलन और जितना डर भय न्यूक्लियर वॉर का दिखाया जा रहा है, उस सब के पीछे ये सारी पोस्चरिंग है। अब ये रियल है या सिर्फ धमकाने, डराने या भय पैदा करने की कोशिश है, ये तो पुतिन ही जानते हैं। बिल्कुल, और देखिए पुतिन का न्यूक्लियर वेपन नाटो को कैसे दे रहा है भारी टेंशन। अब इससे जुड़ी अहम डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 30 साल में पहली बार रूस ने बाल्टिक सागर में परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी है। पनडुब्बी लंबी दूरी तक मार करने वाली है, घातक क्रूज मिसाइलों से लैस है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार इलाके में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की गई है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। रूसी सबमरीन पर न्यूक्लियर वेपन नाटो के लिए दरअसल बहुत बड़ा खतरा है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। चतुर्वेदी जी, इस रीजन में ये जो टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये आखिर किस मकाम तक जा सकती है आने वाले वक्त में, आसार क्या नजर आते हैं? ये जो आपने नॉर्थ, ये बाल्टिक सी की बात करी है, अगर बाल्टिक सी से आप एज ए क्रो फ्लाइज देखा जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ 350 किलोमीटर है। तो विद फिनलैंड गोइंग टूवर्ड्स नेटो,
स्वीडन गोइंग टुवर्ड्स नेटो, ये रीजन जो है ये रशिया के लिए इसका जो बैक साइड में प्रॉब्लम देने वाला था. तो ये जो उन्होंने पिंडबी तैयार किया वो सब जितने नेटो के साथी हैं चाहे वो बाल्टिक रिपब्लिक्स हो सब उधर से गायब हो जाएंगे. तो ये एक तरह से उनका एक डेटरेंस का एक्शन है जिससे कि उनके अपने जो मेन लैंड को उसको बचाने के लिए. और इसको हमें देखना चाहिए साथ में दो चीज़ें और खास तौर पे. अगर आप देखिए स्नेक आइलैंड पे उन्होंने जो ब्लैक सी में कब्जा कर लिया है उन्होंने सरेंडर कर दिया यूक्रेन ने. दूसरा सुमी और खार्किव पे वो बमबारी कर रहे हैं. तो ये जो दिखा रहे हैं जिससे कि जितना कि बाकमुक के ऊपर जो यूक्रेन का और खेरसोन पे है वो यूक्रेन का वो जोर कम हो जाए और जिससे कि उनको जो उनके डॉनबास एरिया में जो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं. नमस्कार, स्वागत है आपका वॉर जोन से आ रही हर बड़ी खबर पर अपडेट के साथ. हम हाजिर हैं आपके साथ, मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर, अंजलि और रवि भी कर रहे हैं हमें ज्वाइन. एक एक बड़ी खबर और एनालिसिस. 24 फरवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है और तेजी से बदल रहे घटनाक्रम ने क्या पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, बड़ा सवाल. क्योंकि दो दिन बाद पुतिन जा रहे हैं बेलारूस, वहीं बाइडेन भी 20 से 22 फरवरी तक रहेंगे पोलैंड में मौजूद. जी हां सुरभि, दो महाशक्तियां सीधे सीधे महायुद्ध की तरफ एक तरह से कहा जा सकता है बढ़ रही हैं. एक तरफ रूस बेलारूस से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं रूस ने बाल्टिक सी में परमाणु पनडुब्बी तैनात कर पोलैंड की भी टेंशन बढ़ा दी है. अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर पुतिन ने सीधे सीधे बाइडेन को चैलेंज किया है. रूस यूक्रेन युद्ध और बाइडेन पुतिन में तनातनी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे. शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ और सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की एक बड़ी तैयारी है. बेरेंट सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान भर दी है. नॉर्वेजियन सी के ऊपर भी रूस ने बॉम्बर्स उड़ाए हैं. तो एक बार फिर से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है. देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो गया है क्योंकि 24 फरवरी की तारीख बेहद नजदीक आ गई है. 24 फरवरी जब एक साल पूरे हो जाएंगे यूक्रेन पर रूस की ओर से किए गए हमले को लेकर और व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को ये सख्त निर्देश दिया है कि 24 फरवरी तक एक बड़ा टारगेट अचीव कर लेना है यूक्रेन के ऊपर. तो देखिए रूस की महाविध्वंसक तैयारी क्या है, रूस आखिर करना क्या चाहता है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं. 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है. बेरेंट सी और नॉर्वेजियन सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं. मकसद क्या है यह जानने की कोशिश होगी. दोनों न्यूक्लियर बॉम्बर्स 13 घंटे तक हवा में रहे, हवा में ही दोनों बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग भी हुई. MiG-31 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट किया और उसकी कुछ बहुत खास तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है. हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं. मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं. सबसे पहले तिवारी साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन तैयारियों को ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि सिर्फ 8 दिन बचे हैं, 8 दिन के बाद कुछ ऐसा होगा कि शायद नक्शे से नामो निशान मिट जाए यूक्रेन का, रूस कुछ ऐसा करने वाला है, क्या उसकी तैयारियां नजर आ रही? समीर, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही, लेकिन न्यूक्लियर अटैक का जहां सवाल है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है. लेकिन ये जो बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे हैं, फाइटर्स फ्लाई कर रहे हैं, इवन देखा आपने दिखाया कि हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग करके भी टारगेट कर रहा है. हेलीकॉप्टर ऑपरेशन तभी होता है जब पूरी एयर सुपीरियरिटी गेन कर लेता है. मीन्स रशिया, इट मीन्स कि रशिया ने काफी गेन कर रखा है और यूक्रेन की जो एयर डिफेंस इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो लो फ्लाइंग और स्लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को भी नहीं टारगेट कर पा रहे हैं. लेकिन जहां तक 24 का सवाल है, आप पूरी तरह सहमत हूँ, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही. अगर ये डोनबास रीजन में अगर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते अटैक करने के लिए, तो ये छिटपुट अटैक रिमोट यूक्रेन में, मे बी ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन में कुछ ब्लास्टिक मिसाइल्स का स्ट्राइक होगा जिसमें पब्लिक के लिए एक न्यूसेंस होगा. दैट विल जनरेट एन नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द 24 तारीख को लेकर हर तरह का अनुमान लगाया जा रहा. और स्पीच देखिए, डोनेस्क में रूस ने यूक्रेनी आर्मी के खिलाफ खोला मोर्चा, रूसी ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट कई इलाकों में, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी बारिश, रूस के हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर.
और रूसी परमाणु बे बॉम्बर ने भी उड़ान भरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां अमेरिकी सीमा के पास रूसी बॉम्बर्स की ये उड़ान क्या बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि अलास्का के पास रूस ने क्या एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। अब रूस की तरफ से बकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया है। और अब इसके बारे में कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं। रूसी बॉम्बर की उड़ान अमेरिका को सीधा चैलेंज, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे समझिए। अलास्का के पास रूस के दो TU-95 मिसाइल बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है, अमेरिकी एयर स्पेस के काफी करीब ये देखा गया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर पहुंच गया अमेरिकी सीमा के पास उड़ान भरते हुए नजर आया है, और रूस ने भी अपनी ताकत दिखाई है। पुतिन के पोलैंड दौरे से पहले रूसी बॉम्बर्स की उड़ान बाइडेन को डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है। बॉम्बर्स उड़ाकर रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है, और कहा यह भी जा रहा है कि अब पुतिन के जो इरादे हैं वो काफी विध्वंसक हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी सर, क्या इसे सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधा चैलेंज रूस की ओर से माना जाए? अगर न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं, 13-13 घंटे तक आसमान में रहते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, ये लड़ाई जो चल रही है इसमें दोनों साइड्स, जिसको कहते हैं कि ये वॉर ऑफ डिटरेंस है, और कौन पहले आंख झपकाता है उसकी वाली बात है जी। एक तरफ से अमेरिका और पूरे EU कंट्रीज और जितने भी नेटो कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करके, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लड़ाई को एक्सटेंड करते जा रहे हैं यूक्रेन में। दूसरी तरफ रशिया ये दिखा रहा है, पहली चीज़ मैं AVM तिवारी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि न्यूक्लियर वॉर की कोई संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि दोनों के पास सेकेंड एंड थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, तो ना अमेरिका तैयार होगा ना रशिया तैयार होगा। ठीक है, इन पास भी नहीं हुआ था। और जो बहुत बड़ी चीज जो इस पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है इसमें आधे से ज्यादा इट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितना एमिनेशन वो दिखा रहे हैं जो उड़ाया जा रहा है, दुनिया का एमिनेशन पिछले एक साल के अंदर एक महीने में खत्म हो चुका होता, और 11 महीने से कोई एमिनेशन नहीं बचता, चाहे कितनी भी एमिनेशन बनाना शुरू कर दे। तो ये जो दिखाया जा रहा है इट इज मच लेस। ठीक है, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाया जा रहा है, उनमें अंतर करना पड़ेगा। नेटो देशों में रूस के फाइटर जेट्स की इस बीच डायरेक्ट घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। पोलैंड एयर स्पेस में दिखे रूस के 3 फाइटर जेट्स, ये बड़ी घटना है। नेदरलैंड्स के 2 F-35 ने रूस के फाइटर जेट्स को रोका। नेदरलैंड्स के रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड को इसकी जानकारी दी है। 13 फरवरी को देर रात विमान को इंटरसेप्ट किया गया। तो देखिए, कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु, बहुत कुछ ऐसा है जो वाया बेलारूस घटता हुआ नजर आ रहा है, बहुत कुछ वाया पोलैंड हो रहा है, क्या समझ पा रही हैं आप? समीर, आपने बिल्कुल सही बात कही। एक तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तो चल ही रहा है दोनों देशों, या मैं कहूँ कि नाटो वर्सेस रशिया के बीच, इसके साथ साथ दोनों ही अपने नए नए चेहरे लेकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है, वो अमेरिका की एयर स्पेस में अपने जासूसी बलून्स भेज रहा है। यहाँ आप देखिए तो रशियन फाइटर जेट्स जो हैं वो नाटो कंट्रीज की एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर आप जब नाटो कंट्रीज को देखेंगे तो वो अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करके रशिया को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के होते हुए एक साल तक ये युद्ध चल गया, और अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है। ये बड़ी एक दुखद बात है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि पुतिन एक जो पीस मील अप्रोच अपनाते आए थे कि एक एक जगह हमला कर रहे थे यूक्रेन पर, अब शायद वो अजाइल स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि एक साथ कई सारे ठिकानों को टारगेट करके शायद एक साल पूरा होने पर वो हमला करें। नहीं, ठीक है, लेकिन इतनी तो बात तय है कि बेचैनी पूरे यूरोप की और दुनिया की बढ़ी हुई है। जिस तरह की तैयारियां, जिस तरह की हलचल इस वक्त रूस में और इस पूरे रीजन में नजर आ रही हैं, और इधर बाल्टिक सी में रूस की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। रूस ने की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती, नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है। रूस के इस कदम से पोलैंड स्वीडन की टेंशन बढ़ी हुई है।
तो नॉर्वे की खुफिया एजेंसी की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन के बीच देखिए तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टेंशन में और इजाफा हुआ है। बाल्टिक सी में दरअसल रूस के इस बड़े एक्शन के मायने क्या हैं, मतलब क्या हैं? रूस ने जो परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की है, ये आखिर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? रवि, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये जो तैयारियां हैं समीर, यही तो चिंता का विषय है। जितने अनुमान, जितने आकलन और जितना डर भय न्यूक्लियर वॉर का दिखाया जा रहा है, उस सब के पीछे ये सारी पोस्चरिंग है। अब ये रियल है या सिर्फ धमकाने, डराने या भय पैदा करने की कोशिश है, ये तो पुतिन ही जानते हैं। बिल्कुल, और देखिए पुतिन का न्यूक्लियर वेपन नाटो को कैसे दे रहा है भारी टेंशन। अब इससे जुड़ी अहम डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 30 साल में पहली बार रूस ने बाल्टिक सागर में परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी है। पनडुब्बी लंबी दूरी तक मार करने वाली है, घातक क्रूज मिसाइलों से लैस है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार इलाके में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की गई है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। रूसी सबमरीन पर न्यूक्लियर वेपन नाटो के लिए दरअसल बहुत बड़ा खतरा है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। चतुर्वेदी जी, इस रीजन में ये जो टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये आखिर किस मकाम तक जा सकती है आने वाले वक्त में? आसार क्या नजर आते हैं? देखिए, ये जो आपने नॉर्थ, ये बाल्टिक सी की बात करी है, अगर बाल्टिक सी से आप एज ए क्रो फ्लाइज देखा जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ 350 किलोमीटर है। तो विद फिनलैंड गोइंग टूवर्ड्स नेटो, स्वीडन गोइंग टूवर्ड्स नेटो, ये रीजन जो है ये रशिया के लिए इसका जो बैक साइड में प्रॉब्लम देने वाला था। तो ये जो उन्होंने पनडुब्बी तैयार किया, वो सब जितने नेटो के साथी हैं, चाहे वो बाल्टिक रिपब्लिक्स हो, सब उधर से गायब हो जाएंगे। तो ये एक तरह से उनका एक डेटरेंस का एक्शन है, जिससे कि उनके अपने जो मेनलैंड को उसको बचाने के लिए। और इसको हमें देखना चाहिए साथ में दो चीज़ें और, ख़ास तौर पर अगर आप देखिए, स्नेक आइलैंड पे उन्होंने जो ब्लैक सी में कब्जा कर लिया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया यूक्रेन ने। दूसरा, सुमी और खार्की पे वो बमबारी कर रहे हैं। तो ये जो दिखा रहे हैं, जिससे कि जितना कि बाकमुक के ऊपर जो यूक्रेन का और खेरसोन पे है, वो यूक्रेन का वो जोर कम हो जाए, और जिससे कि उनको जो उनके डॉनबास एरिया में जो, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉर जोन से। आ रही हर बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ। मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर, अंजलि और रवि भी कर रहे हैं हमें ज्वाइन। एक एक बड़ी खबर और एनालिसिस। 24 फरवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है, और तेजी से बदल रहे घटनाक्रम ने क्या पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है? बड़ा सवाल, क्योंकि दो दिन बाद पुतिन जा रहे हैं बेलारूस, वहीं बाइडेन भी 20 से 22 फरवरी तक रहेंगे पोलैंड में मौजूद। जी हाँ सुरभि, दो महाशक्तियां सीधे सीधे महायुद्ध की तरफ एक तरह से कहा जा सकता है बढ़ रही हैं। एक तरफ रूस बेलारूस से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं रूस ने बाल्टिक सी में परमाणु पनडुब्बी तैनात कर पोलैंड की भी टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर पुतिन ने सीधे सीधे बाइडेन को चैलेंज किया है। रूस यूक्रेन युद्ध और बाइडेन पुतिन में तनातनी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, और सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की एक बड़ी तैयारी है। बेरेंट सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान भर दी है। नॉर्वेजियन सी के ऊपर भी रूस ने बॉम्बर्स उड़ाए हैं। तो एक बार फिर से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो गया है, क्योंकि 24 फरवरी की तारीख बेहद नजदीक आ गई है। 24 फरवरी जब एक साल पूरे हो जाएंगे यूक्रेन पर रूस की ओर से किए गए हमले को लेकर, और व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को ये सख्त निर्देश दिया है कि 24 फरवरी तक एक बड़ा टारगेट अचीव कर लेना है यूक्रेन के ऊपर। तो देखिए, रूस की महाविध्वंसक तैयारी क्या है, रूस आखिर करना क्या चाहता है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है। बेरेंट सी और नॉर्वेजियन सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं। मकसद क्या है यह जानने की कोशिश होगी। दोनों न्यूक्लियर बॉम्बर्स 13 घंटे तक हवा में रहे, हवा में ही दोनों बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग भी हुई। MiG-31 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट किया, और उसकी कुछ बहुत खास तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं,
मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तिवारी साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन तैयारियों को ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 8 दिन बचे हैं, 8 दिन के बाद कुछ ऐसा होगा कि शायद नक्शे से नामो निशान मिट जाए यूक्रेन का, रूस कुछ ऐसा करने वाला है, क्या उसकी तैयारियां नजर आ रही? समीर, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही, लेकिन न्यूक्लियर अटैक का जहां सवाल है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन ये जो बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे हैं, फाइटर्स फ्लाई कर रहे हैं, इवन देखा आपने दिखाया कि हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग करके भी टारगेट कर रहा है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन तभी होता है जब पूरी एयर सुपीरियरिटी गेन कर लेता है, मींस रशिया, इट मींस कि रशिया ने काफी गेन कर रखा है और यूक्रेन की जो एयर डिफेंस इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो लो फ्लाइंग और स्लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को भी नहीं टारगेट कर पा रहे हैं। लेकिन जहां तक 24 का सवाल है, आप पूरी तरह सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही। अगर ये डोनबास रीजन में अगर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते अटैक करने के लिए, तो ये छिटपुट अटैक रिमोट यूक्रेन में, मे बी ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन में कुछ ब्लास्टिक मिसाइल्स का स्ट्राइक होगा, जिसमें पब्लिक के लिए एक न्यूसेंस होगा, दैट विल जनरेट एन नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द 24 तारीख को लेकर हर तरह का अनुमान लगाया जा रहा। और स्पीच देखिए, डोनेस्क में रूस ने यूक्रेनी आर्मी के खिलाफ खोला मोर्चा, रूसी ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट कई इलाकों में, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी बारिश, रूस के हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। और रूसी परमाणु बे बॉम्बर ने भी उड़ान भरी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी सीमा के पास रूसी बॉम्बर्स की ये उड़ान क्या बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि अलास्का के पास रूस ने क्या एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। अब रूस की तरफ से बकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया है। और अब इसके बारे में कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं। रूसी बॉम्बर की उड़ान अमेरिका को सीधा चैलेंज, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे समझिए। अलास्का के पास रूस के 2 TU-95 मिसाइल बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है, अमेरिकी एयर स्पेस के काफी करीब ये देखा गया है, और साथ ही बताया जा रहा है कि रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर पहुंच गया अमेरिकी सीमा के पास, उड़ान भरते हुए नजर आया है, और रूस ने भी अपनी ताकत दिखाई है। पुतिन के पोलैंड दौरे से पहले रूसी बॉम्बर्स की उड़ान, बाइडेन को डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है, बॉम्बर्स उड़ाकर रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है, और कहा यह भी जा रहा है कि अब पुतिन के जो इरादे हैं वो काफी विध्वंसक हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी सर, क्या इसे सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधा चैलेंज रूस की ओर से माना जाए, अगर न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं, 13-13 घंटे तक आसमान में रहते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, ये लड़ाई जो चल रही है इसमें दोनों साइड्स, जिसको कहते हैं कि ये वॉर ऑफ डिटरेंस है, और कौन पहले आंख झपकाता है उसकी वाली बात है जी। एक तरफ से अमेरिका और पूरे ईयू कंट्रीज और जितने भी नेटो कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करके, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लड़ाई को एक्सटेंड करते जा रहे हैं यूक्रेन में। दूसरी तरफ रशिया ये दिखा रहा है, पहली चीज़, मैं AVM तिवारी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि न्यूक्लियर वॉर की कोई संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि दोनों के पास सेकेंड एंड थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, तो ना अमेरिका तैयार होगा ना रशिया तैयार होगा, ठीक है, इन पास भी नहीं हुआ था। और जो बहुत बड़ी चीज जो इस पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है इसमें आधे से ज्यादा इट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितना एमिनेशन वो दिखा रहे हैं जो उड़ाया जा रहा है, दुनिया का एमिनेशन पिछले 1 साल के अंदर 1 महीने में खत्म हो चुका होता, और 11 महीने से कोई एमिनेशन नहीं बचता, चाहे कितनी भी एमिनेशन बनाना शुरू कर दे। तो ये जो दिखाया जा रहा है इट इज मच लेस, ठीक है, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाया जा रहा है, उनमें अंतर करना पड़ेगा। नेटो देशों में रूस के फाइटर जेट्स की इस बीच डायरेक्ट घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। पोलैंड एयर स्पेस में दिखे रूस के 3 फाइटर जेट्स, ये बड़ी घटना है। नेदरलैंड्स के 2 F-35 ने रूस के फाइटर जेट्स को रोका। नेदरलैंड्स के रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड को इसकी जानकारी दी है। 13 फरवरी को देर रात विमान को इंटरसेप्ट किया गया।
तो देखिए कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु, बहुत कुछ ऐसा है जो वाया बेलारूस घटता हुआ नजर आ रहा है, बहुत कुछ वाया पोलैंड हो रहा है, क्या समझ पा रही हैं आप? समीर, आपने बिल्कुल सही बात कही। एक तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो चल ही रहा है दोनों देशों, या मैं कहूं कि नाटो वर्सेस रशिया के बीच, इसके साथ साथ दोनों ही अपने नए नए चेहरे लेकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है, वो अमेरिका की एयर स्पेस में अपने जासूसी बलून्स भेज रहा है। यहाँ आप देखिए तो रशियन फाइटर जेट्स जो हैं वो नाटो कंट्रीज की एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर आप जब नाटो कंट्रीज को देखेंगे तो वो अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करके रशिया को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के होते हुए एक साल तक ये युद्ध चल गया, और अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है। ये बड़ी एक दुखद बात है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि पुतिन एक जो पीस मील अप्रोच अपनाते आए थे कि एक एक जगह हमला कर रहे थे यूक्रेन पर, अब शायद वो अजाइल स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि एक साथ कई सारे ठिकानों को टारगेट करके शायद एक साल पूरा होने पर वो हमला करें। नहीं, ठीक है, लेकिन इतनी तो बात तय है कि बेचैनी पूरे यूरोप की और दुनिया की बढ़ी हुई है। जिस तरह की तैयारियां, जिस तरह की हलचल इस वक्त रूस में और इस पूरे रीजन में नजर आ रही हैं, और इधर बाल्टिक सी में रूस की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। रूस ने की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती, नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है। रूस के इस कदम से पोलैंड स्वीडन की टेंशन बढ़ी हुई है। तो नॉर्वे की खुफिया एजेंसी की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है, रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन के बीच देखिए तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टेंशन में और इजाफा हुआ है। बाल्टिक सी में दरअसल रूस के इस बड़े एक्शन के मायने क्या हैं, मतलब क्या हैं? रूस ने जो परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की है, ये आखिर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? रवि, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये जो तैयारियां हैं समीर, यही तो चिंता का विषय है। जितने अनुमान, जितने आकलन और जितना डर भय न्यूक्लियर वॉर का दिखाया जा रहा है, उस सब के पीछे ये सारी पोस्चरिंग है। अब ये रियल है या सिर्फ धमकाने, डराने या भय पैदा करने की कोशिश है, ये तो पुतिन ही जानते हैं। बिल्कुल, और देखिए पुतिन का न्यूक्लियर वेपन नाटो को कैसे दे रहा है भारी टेंशन। अब इससे जुड़ी अहम डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 30 साल में पहली बार रूस ने बाल्टिक सागर में परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी है। पनडुब्बी लंबी दूरी तक मार करने वाली है, घातक क्रूज मिसाइलों से लैस है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार इलाके में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की गई है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। रूसी सबमरीन पर न्यूक्लियर वेपन नाटो के लिए दरअसल बहुत बड़ा खतरा है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। चतुर्वेदी जी, इस रीजन में ये जो टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये आखिर किस मकाम तक जा सकती है आने वाले वक्त में? आसार क्या नजर आते हैं? देखिए, ये जो आपने नॉर्थ, ये बाल्टिक सी की बात करी है, अगर बाल्टिक सी से आप एज ए क्रो फ्लाइज देखा जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ 350 किलोमीटर है। तो विद फिनलैंड गोइंग टूवर्ड्स नेटो, स्वीडन गोइंग टूवर्ड्स नेटो, ये रीजन जो है ये रशिया के लिए इसका जो बैक साइड में प्रॉब्लम देने वाला था। ओके। तो ये जो उन्होंने पनडुब्बी तैयार किया, वो सब जितने नेटो के साथी हैं, चाहे वो बाल्टिक रिपब्लिक्स हो, सब उधर से गायब हो जाएंगे। तो ये एक तरह से उनका एक डेटरेंस का एक्शन है, जिससे कि उनके अपने जो मेनलैंड को उसको बचाने के लिए, और इसको हमें देखना चाहिए साथ में दो चीज़ें और खास तौर पर। अगर आप देखिए, स्नेक आइलैंड पर उन्होंने जो ब्लैक सी में कब्जा कर लिया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया यूक्रेन ने। दूसरा, सुमी और खार्की पे वो बमबारी कर रहे हैं, तो ये जो दिखा रहे हैं, जिससे कि जितना कि बाकमुक के ऊपर जो यूक्रेन का और खेरसोन पे है, वो यूक्रेन का वो जोर कम हो जाए, और जिससे कि उनको जो उनके डॉनबास एरिया में जो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉर जोन से। आ रही हर बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ। मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर, अंजलि और रवि भी कर रहे हैं हमें ज्वाइन। एक एक बड़ी खबर और एनालिसिस। 24 फरवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है, और तेजी से बदल रहे घटनाक्रम ने क्या पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है? बड़ा सवाल, क्योंकि दो दिन बाद पुतिन जा रहे हैं बेलारूस, वहीं बाइडेन भी 20 से 22 फरवरी तक रहेंगे पोलैंड में मौजूद।
जी हाँ सुरभि, दो महाशक्तियां सीधे सीधे महायुद्ध की तरफ एक तरह से कहा जा सकता है बढ़ रही हैं। एक तरफ रूस बेलारूस से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं रूस ने बाल्टिक सी में परमाणु पनडुब्बी तैनात कर पोलैंड की भी टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर पुतिन ने सीधे सीधे बाइडेन को चैलेंज किया है। रूस यूक्रेन युद्ध और बाइडेन पुतिन में तनातनी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, और सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की एक बड़ी तैयारी है। बेरेंट्स सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान भर दी है। नॉर्वेजियन सी के ऊपर भी रूस ने बॉम्बर्स उड़ाए हैं। तो एक बार फिर से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो गया है, क्योंकि 24 फरवरी की तारीख बेहद नजदीक आ गई है। 24 फरवरी जब एक साल पूरे हो जाएंगे यूक्रेन पर रूस की ओर से किए गए हमले को लेकर, और व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को ये सख्त निर्देश दिया है कि 24 फरवरी तक एक बड़ा टारगेट अचीव कर लेना है यूक्रेन के ऊपर। तो देखिए रूस की महाविध्वंसक तैयारी क्या है, रूस आखिर करना क्या चाहता है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है। बेरेंट्स सी और नॉर्वेजियन सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं। मकसद क्या है यह जानने की कोशिश होगी। दोनों न्यूक्लियर बॉम्बर्स 13 घंटे तक हवा में रहे, हवा में ही दोनों बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग भी हुई। MiG-31 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट किया और उसकी कुछ बहुत खास तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तिवारी साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन तैयारियों को ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि सिर्फ 8 दिन बचे हैं, 8 दिन के बाद कुछ ऐसा होगा कि शायद नक्शे से नामो निशान मिट जाए यूक्रेन का, रूस कुछ ऐसा करने वाला है, क्या उसकी तैयारियां नजर आ रही है? समीर, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही, लेकिन न्यूक्लियर अटैक का जहां सवाल है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन ये जो बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे हैं, फाइटर्स फ्लाई कर रहे हैं, इवन देखा आपने दिखाया कि हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग करके भी टारगेट कर रहा है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन तभी होता है जब पूरी एयर सुपीरियरिटी गेन कर लेता है। मींस रशिया, इट मींस कि रशिया ने काफी गेन कर रखा है और यूक्रेन की जो है डिफेंस इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो लो फ्लाइंग और स्लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को भी नहीं टारगेट कर पा रहे हैं। लेकिन जहां तक 24 का सवाल है, आप पूरी तरह सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही। अगर ये डोनबास रीजन में अगर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते अटैक करने के लिए, तो ये छिटपुट अटैक रिमोट यूक्रेन में, मे बी ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन में कुछ ब्लास्टिक मिसाइल्स का स्ट्राइक होगा, जिसमें पब्लिक के लिए एक न्यूसेंस होगा, दैट विल जनरेट एन नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द 24 तारीख को लेकर हर तरह का अनुमान लगाया जा रहा। और स्पीच देखिए, डोनेस्क में रूस ने यूक्रेनी आर्मी के खिलाफ खोला मोर्चा, रूसी ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट कई इलाकों में, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी बारिश, रूस के हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। और रूसी परमाणु बे बॉम्बर ने भी उड़ान भरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी सीमा के पास रूसी बॉम्बर्स की ये उड़ान क्या बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि अलास्का के पास रूस ने क्या एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। अब रूस की तरफ से बकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया है। और अब इसके बारे में कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं। रूसी बॉम्बर की उड़ान अमेरिका को सीधा चैलेंज, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे समझिए। अलास्का के पास रूस के दो TU-95 मिसाइल बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है, अमेरिकी एयर स्पेस के काफी करीब ये देखा गया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर पहुंच गया अमेरिकी सीमा के पास, उड़ान भरते हुए नजर आया है, और रूस ने भी अपनी ताकत दिखाई है। पुतिन के पोलैंड दौरे से पहले रूसी बॉम्बर्स की उड़ान, बाइडेन को डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है। बॉम्बर्स उड़ाकर रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है, और कहा यह भी जा रहा है कि अब पुतिन के जो इरादे हैं वो काफी विध्वंसक हैं।
मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी सर, क्या इसे सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधा चैलेंज रूस की ओर से माना जाए? अगर न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं, 13-13 घंटे तक आसमान में रहते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, ये लड़ाई जो चल रही है इसमें दोनों साइड्स, जिसको कहते हैं कि ये वॉर ऑफ डिटरेंस है और कौन पहले आंख झपकाता है उसकी वाली बात है जी। एक तरफ से अमेरिका और पूरे ईयू कंट्रीज और जितने भी नेटो कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करके, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लड़ाई को एक्सटेंड करते जा रहे हैं यूक्रेन में। दूसरी तरफ रशिया ये दिखा रहा है, पहली चीज़, मैं AVM तिवारी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि न्यूक्लियर वॉर की कोई संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि दोनों के पास सेकेंड एंड थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, तो ना अमेरिका तैयार होगा ना रशिया तैयार होगा। ठीक है, इन पास भी नहीं हुआ था। और जो बहुत बड़ी चीज जो इस पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है इसमें आधे से ज्यादा इट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितना एमिनेशन वो दिखा रहे हैं जो उड़ाया जा रहा है, दुनिया का एमिनेशन पिछले एक साल के अंदर एक महीने में खत्म हो चुका होता और 11 महीने से कोई एमिनेशन नहीं बचता, चाहे कितनी भी एमिनेशन बनाना शुरू कर दे। तो ये जो दिखाया जा रहा है इट इज मच लेस। ठीक है, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाया जा रहा है, उनमें अंतर करना पड़ेगा। नेटो देशों में रूस के फाइटर जेट्स की इस बीच डायरेक्ट घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। पोलैंड एयर स्पेस में दिखे रूस के 3 फाइटर जेट्स, ये बड़ी घटना है। नेदरलैंड्स के 2 F-35 ने रूस के फाइटर जेट्स को रोका। नेदरलैंड्स के रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड को इसकी जानकारी दी है। 13 फरवरी को देर रात विमान को इंटरसेप्ट किया गया। तो देखिए, कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु, बहुत कुछ ऐसा है जो वाया बेलारूस घटता हुआ नजर आ रहा है, बहुत कुछ वाया पोलैंड हो रहा है, क्या समझ पा रही हैं आप? समीर, आपने बिल्कुल सही बात कही। एक तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तो चल ही रहा है दोनों देशों, या मैं कहूँ कि नाटो वर्सेस रशिया के बीच, इसके साथ साथ दोनों ही अपने नए नए चेहरे लेकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है, वो अमेरिका की एयर स्पेस में अपने जासूसी बलून्स भेज रहा है। यहाँ आप देखिए तो रशियन फाइटर जेट्स जो हैं वो नाटो कंट्रीज की एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर आप जब नाटो कंट्रीज को देखेंगे तो वो अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करके रशिया को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के होते हुए एक साल तक ये युद्ध चल गया और अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है। ये बड़ी एक दुखद बात है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि पुतिन एक जो पीस मील अप्रोच अपनाते आए थे कि एक एक जगह हमला कर रहे थे यूक्रेन पर, अब शायद वो अजाइल स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि एक साथ कई सारे ठिकानों को टारगेट करके शायद एक साल पूरा होने पर वो हमला करें। नहीं, ठीक है, लेकिन इतनी तो बात तय है कि बेचैनी पूरे यूरोप की और दुनिया की बढ़ी हुई है। जिस तरह की तैयारियां, जिस तरह की हलचल इस वक्त रूस में और इस पूरे रीजन में नजर आ रही हैं, और इधर बाल्टिक सी में रूस की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। रूस ने की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती, नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है। रूस के इस कदम से पोलैंड स्वीडन की टेंशन बढ़ी हुई है। तो नॉर्वे की खुफिया एजेंसी की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है, रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन के बीच देखिए तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टेंशन में और इजाफा हुआ है। बाल्टिक सी में दरअसल रूस के इस बड़े एक्शन के मायने क्या हैं, मतलब क्या हैं? रूस ने जो परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की है, ये आखिर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? रवि, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये जो तैयारियां हैं समीर, यही तो चिंता का विषय है। जितने अनुमान, जितने आकलन और जितना डर भय न्यूक्लियर वॉर का दिखाया जा रहा है, उस सब के पीछे ये सारी पोस्चरिंग है। अब ये रियल है या सिर्फ धमकाने, डराने या भय पैदा करने की कोशिश है, ये तो पुतिन ही जानते हैं। बिल्कुल, और देखिए पुतिन का न्यूक्लियर वेपन नाटो को कैसे दे रहा है भारी टेंशन। अब इससे जुड़ी अहम डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 30 साल में पहली बार रूस ने बाल्टिक सागर में परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी है। पनडुब्बी लंबी दूरी तक मार करने वाली है, घातक क्रूज मिसाइलों से लैस है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार इलाके में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की गई है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। रूसी सबमरीन पर न्यूक्लियर वेपन नाटो के लिए दरअसल बहुत बड़ा खतरा है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है।
चतुर्वेदी जी, इस रीजन में ये जो टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये आखिर किस मकाम तक जा सकती है आने वाले वक्त में? आसार क्या नजर आते हैं? देखिए, ये जो आपने नॉर्थ, ये बाल्टिक सी की बात करी है, अगर बाल्टिक सी से आप एज ए क्रो फ्लाइज देखा जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ 350 किलोमीटर है। तो विद फिनलैंड गोइंग टूवर्ड्स नेटो, स्वीडन गोइंग टूवर्ड्स नेटो, ये रीजन जो है ये रशिया के लिए इसका जो बैक साइड में प्रॉब्लम देने वाला था। तो ये जो उन्होंने पिंडुब्बी तैयार किया, वो सब जितने नेटो के साथी हैं, चाहे वो बाल्टिक रिपब्लिक्स हो, सब उधर से गायब हो जाएंगे। तो ये एक तरह से उनका एक डेटरेंस का एक्शन है, जिससे कि उनके अपने जो मेनलैंड को उसको बचाने के लिए, और इसको हमें देखना चाहिए साथ में दो चीज़ें और खास तौर पे। अगर आप देखिए, स्नेक आइलैंड पे उन्होंने जो ब्लैक सी में कब्जा कर लिया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया यूक्रेन ने, दूसरा सुमी और खार्की पे वो बमबारी कर रहे हैं। तो ये जो दिखा रहे हैं, जिससे कि जितना कि बाकमुक के ऊपर जो यूक्रेन का और खेरसोन पे है, वो यूक्रेन का वो जोर कम हो जाए, और जिससे कि उनको जो उनके डॉनबास एरिया में जो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉर जोन से आ रही हर बड़ी खबर पर अपडेट के साथ। हम हाजिर हैं आपके साथ, मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर, अंजलि और रवि भी कर रहे हैं हमें ज्वाइन। एक एक बड़ी खबर और एनालिसिस। 24 फरवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है, और तेजी से बदल रहे घटनाक्रम ने क्या पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है? बड़ा सवाल, क्योंकि दो दिन बाद पुतिन जा रहे हैं बेलारूस, वहीं बाइडेन भी 20 से 22 फरवरी तक रहेंगे पोलैंड में मौजूद। जी हां सुरभि, दो महाशक्तियां सीधे सीधे महायुद्ध की तरफ एक तरह से कहा जा सकता है बढ़ रही हैं। एक तरफ रूस बेलारूस से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं रूस ने बाल्टिक सी में परमाणु पनडुब्बी तैनात कर पोलैंड की भी टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर पुतिन ने सीधे सीधे बाइडेन को चैलेंज किया है। रूस यूक्रेन युद्ध और बाइडेन पुतिन में तनातनी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, और सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की एक बड़ी तैयारी है। बेरेंट्स सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान भर दी है। नॉर्वेजियन सी के ऊपर भी रूस ने बॉम्बर्स उड़ाए हैं। तो एक बार फिर से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो गया है, क्योंकि 24 फरवरी की तारीख बेहद नजदीक आ गई है। 24 फरवरी जब एक साल पूरे हो जाएंगे यूक्रेन पर रूस की ओर से किए गए हमले को लेकर, और व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को ये सख्त निर्देश दिया है कि 24 फरवरी तक एक बड़ा टारगेट अचीव कर लेना है यूक्रेन के ऊपर। तो देखिए, रूस की महाविध्वंसक तैयारी क्या है, रूस आखिर करना क्या चाहता है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है। बेरेंट्स सी और नॉर्वेजियन सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं। मकसद क्या है यह जानने की कोशिश होगी। दोनों न्यूक्लियर बॉम्बर्स 13 घंटे तक हवा में रहे, हवा में ही दोनों बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग भी हुई। MiG-31 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट किया, और उसकी कुछ बहुत खास तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तिवारी साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन तैयारियों को, ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि सिर्फ 8 दिन बचे हैं, 8 दिन के बाद कुछ ऐसा होगा कि शायद नक्शे से नामो निशान मिट जाए यूक्रेन का, रूस कुछ ऐसा करने वाला है, क्या उसकी तैयारियां नजर आ रही? समीर, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही, लेकिन न्यूक्लियर अटैक का जहां सवाल है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन ये जो बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे हैं, फाइटर्स फ्लाई कर रहे हैं, इवन देखा आपने, दिखाया कि हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग करके भी टारगेट कर रहा है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन तभी होता है जब पूरी एयर सुपीरियरिटी गेन कर लेता है। मींस रशिया, इट मींस कि रशिया ने काफी गेन कर रखा है, और यूक्रेन की जो है डिफेंस इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो लो फ्लाइंग और स्लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को भी नहीं टारगेट कर पा रहे हैं। लेकिन जहां तक 24 का सवाल है, आप पूरी तरह सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही। अगर ये डोनबास रीजन में अगर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते अटैक करने के लिए, तो ये छिटपुट अटैक रिमोट यूक्रेन में, मे बी ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन में कुछ ब्लास्टिक मिसाइल्स का स्ट्राइक होगा, जिसमें पब्लिक के लिए एक न्यूसेंस होगा, दैट विल जनरेट एन नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द
24 तारीख को लेकर हर तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। और स्पीच देखिए, डोनेस्क में रूस ने यूक्रेनी आर्मी के खिलाफ खोला मोर्चा, रूसी ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट, कई इलाकों में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी बारिश, रूस के हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। और रूसी परमाणु बे बॉम्बर ने भी उड़ान भरी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां अमेरिकी सीमा के पास रूसी बॉम्बर्स की ये उड़ान क्या बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि अलास्का के पास रूस ने क्या एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। अब रूस की तरफ से बकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया है। और अब इसके बारे में कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं। रूसी बॉम्बर की उड़ान अमेरिका को सीधा चैलेंज, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे समझिए। अलास्का के पास रूस के दो TU-95 मिसाइल बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है, अमेरिकी एयर स्पेस के काफी करीब ये देखा गया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर पहुंच गया अमेरिकी सीमा के पास, उड़ान भरते हुए नजर आया है। और रूस ने भी अपनी ताकत दिखाई है। पुतिन के पोलैंड दौरे से पहले रूसी बॉम्बर्स की उड़ान, बाइडेन को डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है। बॉम्बर्स उड़ाकर रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है और कहा यह भी जा रहा है कि अब पुतिन के जो इरादे हैं वो काफी विध्वंसक हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी सर, क्या इसे सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधा चैलेंज रूस की ओर से माना जाए? अगर न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं, 13-13 घंटे तक आसमान में रहते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, ये लड़ाई जो चल रही है इसमें दोनों साइड्स, जिसको कहते हैं कि ये वॉर ऑफ डिटरेंस है और कौन पहले आंख झपकाता है उसकी वाली बात है जी। एक तरफ से अमेरिका और पूरे EU कंट्रीज और जितने भी नेटो कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करके, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लड़ाई को एक्सटेंड करते जा रहे हैं यूक्रेन में। दूसरी तरफ रशिया ये दिखा रहा है। पहली चीज़, मैं AVM तिवारी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि न्यूक्लियर वॉर की कोई संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि दोनों के पास सेकेंड एंड थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, तो ना अमेरिका तैयार होगा ना रशिया तैयार होगा। ठीक है, इन पास भी नहीं हुआ था। और जो बहुत बड़ी चीज जो इस पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है इसमें आधे से ज्यादा इट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितना एमिनेशन वो दिखा रहे हैं जो उड़ाया जा रहा है, दुनिया का एमिनेशन पिछले एक साल के अंदर एक महीने में खत्म हो चुका होता और 11 महीने से कोई एमिनेशन नहीं बचता, चाहे कितनी भी एमिनेशन बनाना शुरू कर दे। तो ये जो दिखाया जा रहा है इट इज मच लेस। ठीक है, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाया जा रहा है, उनमें अंतर करना पड़ेगा। नेटो देशों में रूस के फाइटर जेट्स की इस बीच डायरेक्ट घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। पोलैंड एयर स्पेस में दिखे रूस के 3 फाइटर जेट्स, ये बड़ी घटना है। नेदरलैंड्स के 2 F-35 ने रूस के फाइटर जेट्स को रोका। नेदरलैंड्स के रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड को इसकी जानकारी दी है। 13 फरवरी को देर रात विमान को इंटरसेप्ट किया गया। तो देखिए, कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु, बहुत कुछ ऐसा है जो वाया बेलारूस घटता हुआ नजर आ रहा है, बहुत कुछ वाया पोलैंड हो रहा है, क्या समझ पा रही हैं आप? समीर, आपने बिल्कुल सही बात कही। एक तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तो चल ही रहा है दोनों देशों, या मैं कहूँ कि नाटो वर्सेस रशिया के बीच, इसके साथ साथ दोनों ही अपने नए नए चेहरे लेकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है, वो अमेरिका की एयर स्पेस में अपने जासूसी बलून्स भेज रहा है। यहाँ आप देखिए तो रशियन फाइटर जेट्स जो हैं वो नाटो कंट्रीज की एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर आप जब नाटो कंट्रीज को देखेंगे तो वो अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करके रशिया को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के होते हुए एक साल तक ये युद्ध चल गया और अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है। ये बड़ी एक दुखद बात है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि पुतिन एक जो पीस मील अप्रोच अपनाते आए थे कि एक एक जगह हमला कर रहे थे यूक्रेन पर, अब शायद वो अजाइल स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि एक साथ कई सारे ठिकानों को टारगेट करके शायद एक साल पूरा होने पर वो हमला करें। नहीं, ठीक है, लेकिन इतनी तो बात तय है कि बेचैनी पूरे यूरोप की और दुनिया की बढ़ी हुई है।
जिस तरह की तैयारियां, जिस तरह की हलचल इस वक्त रूस में और इस पूरे रीजन में नजर आ रही हैं। और इधर बाल्टिक सी में रूस की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। रूस ने की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती, नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है। रूस के इस कदम से पोलैंड स्वीडन की टेंशन बढ़ी हुई है। तो नॉर्वे की खुफिया एजेंसी की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन के बीच देखिए तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टेंशन में और इजाफा हुआ है। बाल्टिक सी में दरअसल रूस के इस बड़े एक्शन के मायने क्या है, मतलब क्या है, रूस ने जो परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की है, ये आखिर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, रवि ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये जो तैयारियां हैं समीर, यही तो चिंता का विषय है। जितने अनुमान, जितने आकलन और जितना डर भय न्यूक्लियर वॉर का दिखाया जा रहा है, उस सब के पीछे ये सारी पोस्चरिंग है। अब ये रियल है या सिर्फ धमकाने, डराने या भय पैदा करने की कोशिश है, ये तो पुतिन ही जानते हैं। बिल्कुल, और देखिए पुतिन का न्यूक्लियर वेपन नाटो को कैसे दे रहा है भारी टेंशन। अब इससे जुड़ी अहम डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 30 साल में पहली बार रूस ने बाल्टिक सागर में परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी है। पनडुब्बी लंबी दूरी तक मार करने वाली है, घातक क्रूज मिसाइलों से लैस है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार इलाके में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की गई है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। रूसी सबमरीन पर न्यूक्लियर वेपन नाटो के लिए दरअसल बहुत बड़ा खतरा है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। चतुर्वेदी जी, इस रीजन में ये जो टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये आखिर किस मकाम तक जा सकती है आने वाले वक्त में, आसार क्या नजर आते हैं? देखिए, ये जो आपने नॉर्थ, ये बाल्टिक सी की बात करी है, अगर बाल्टिक सी से आप एज ए क्रो फ्लाइज देखा जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ 350 किलोमीटर है। तो विद फिनलैंड गोइंग टूवर्ड्स नेटो, स्वीडन गोइंग टूवर्ड्स नेटो, ये रीजन जो है ये रशिया के लिए इसका जो बैक साइड में प्रॉब्लम देने वाला था। तो ये जो उन्होंने पनडुब्बी तैयार किया, वो सब जितने नेटो के साथी हैं, चाहे वो बाल्टिक रिपब्लिक्स हो, सब उधर से गायब हो जाएंगे। तो ये एक तरह से उनका एक डेटरेंस का एक्शन है, जिससे कि उनके अपने जो मेन लैंड को उसको बचाने के लिए। और इसको हमें देखना चाहिए साथ में दो चीज़ें और, ख़ास तौर पर अगर आप देखिए, स्नेक आइलैंड पे उन्होंने जो ब्लैक सी में कब्जा कर लिया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया यूक्रेन ने। दूसरा, सुमी और खार्किव पे वो बमबारी कर रहे हैं। तो ये जो दिखा रहे हैं, जिससे कि जितना कि बाकमुक के ऊपर जो यूक्रेन का और खेरसोन पे है, वो यूक्रेन का वो जोर कम हो जाए, और जिससे कि उनको जो उनके डॉनबास एरिया में जो, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉर जोन से आ रही हर बड़ी खबर पर अपडेट के साथ। हम हाजिर हैं आपके साथ, मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर, अंजलि और रवि भी कर रहे हैं हमें ज्वाइन। एक एक बड़ी खबर और एनालिसिस। 24 फरवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है और तेजी से बदल रहे घटनाक्रम ने क्या पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, बड़ा सवाल। क्योंकि दो दिन बाद पुतिन जा रहे हैं बेलारूस, वहीं बाइडेन भी 20 से 22 फरवरी तक रहेंगे पोलैंड में मौजूद। जी हां सुरभि, दो महाशक्तियां सीधे सीधे महायुद्ध की तरफ एक तरह से कहा जा सकता है बढ़ रही हैं। एक तरफ रूस बेलारूस से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं रूस ने बाल्टिक सी में परमाणु पनडुब्बी तैनात कर पोलैंड की भी टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर पुतिन ने सीधे सीधे बाइडेन को चैलेंज किया है। रूस यूक्रेन युद्ध और बाइडेन पुतिन में तनातनी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, और सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की एक बड़ी तैयारी है। बेरेंट्स सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान भर दी है। नॉर्वेजियन सी के ऊपर भी रूस ने बॉम्बर्स उड़ाए हैं। तो एक बार फिर से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो गया है, क्योंकि 24 फरवरी की तारीख बेहद नजदीक आ गई है। 24 फरवरी जब एक साल पूरे हो जाएंगे यूक्रेन पर रूस की ओर से किए गए हमले को लेकर, और व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को ये सख्त निर्देश दिया है कि 24 फरवरी तक एक बड़ा टारगेट अचीव कर लेना है यूक्रेन के ऊपर। तो देखिए रूस की महाविध्वंसक तैयारी क्या है, रूस आखिर करना क्या चाहता है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है। बेरेंट्स सी और नॉर्वेजियन सी
के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं। मकसद क्या है यह जानने की कोशिश होगी। दोनों न्यूक्लियर बॉम्बर्स 13 घंटे तक हवा में रहे। हवा में ही दोनों बॉम्बर्स की रीफ्यूलिंग भी हुई। MiG-31 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट किया और उसकी कुछ बहुत खास तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तिवारी साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन तैयारियों को ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि सिर्फ 8 दिन बचे हैं, 8 दिन के बाद कुछ ऐसा होगा कि शायद नक्शे से नामो निशान मिट जाए यूक्रेन का, रूस कुछ ऐसा करने वाला है, क्या उसकी तैयारियां नजर आ रही? समीर, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही, लेकिन न्यूक्लियर अटैक का जहां सवाल है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन ये जो बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे हैं, फाइटर्स फ्लाई कर रहे हैं, इवन देखा आपने दिखाया कि हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग करके भी टारगेट कर रहा है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन तभी होता है जब पूरी एयर सुपीरियोरिटी गेन कर लेता है। मीन्स रशिया, इट मीन्स कि रशिया ने काफी गेन कर रखा है और यूक्रेन की जो एयर डिफेंस इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो लो फ्लाइंग और स्लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को भी नहीं टारगेट कर पा रहे हैं। लेकिन जहां तक 24 का सवाल है, आप पूरी तरह सहमत हूँ, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही। अगर ये डोनबास रीजन में अगर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते अटैक करने के लिए, तो ये छिटपुट अटैक रिमोट यूक्रेन में, मे बी ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन में कुछ ब्लास्टिक मिसाइल्स का स्ट्राइक होगा, जिसमें पब्लिक के लिए एक न्यूसेंस होगा, दैट विल जनरेट एन नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द 24 तारीख को लेकर हर तरह का अनुमान लगाया जा रहा। और स्पीच देखिए, डोनेस्क में रूस ने यूक्रेनी आर्मी के खिलाफ खोला मोर्चा, रूसी ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट कई इलाकों में, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी बारिश, रूस के हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। और रूसी परमाणु बे बॉम्बर ने भी उड़ान भरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी सीमा के पास रूसी बॉम्बर्स की ये उड़ान क्या बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि अलास्का के पास रूस ने क्या एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। अब रूस की तरफ से बकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया है। और अब इसके बारे में कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं। रूसी बॉम्बर की उड़ान अमेरिका को सीधा चैलेंज, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे समझिए। अलास्का के पास रूस के 2 TU-95 मिसाइल बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है, अमेरिकी एयर स्पेस के काफी करीब ये देखा गया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर पहुंच गया अमेरिकी सीमा के पास, उड़ान भरते हुए नजर आया है और रूस ने भी अपनी ताकत दिखाई है। पुतिन के पोलैंड दौरे से पहले रूसी बॉम्बर्स की उड़ान, बाइडेन को डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है। बॉम्बर्स उड़ाकर रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है और कहा यह भी जा रहा है कि अब पुतिन के जो इरादे हैं वो काफी विध्वंसक हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी सर, क्या इसे सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधा चैलेंज रूस की ओर से माना जाए? अगर न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं, 13-13 घंटे तक आसमान में रहते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, ये लड़ाई जो चल रही है इसमें दोनों साइड्स, जिसको कहते हैं कि ये वॉर ऑफ डिटरेंस है और कौन पहले आंख झपकाता है उसकी वाली बात है जी। एक तरफ से अमेरिका और पूरे EU कंट्रीज और जितने भी नेटो कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करके, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लड़ाई को एक्सटेंड करते जा रहे हैं यूक्रेन में। दूसरी तरफ रशिया ये दिखा रहा है। पहली चीज़, मैं AVM तिवारी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि न्यूक्लियर वॉर की कोई संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि दोनों के पास सेकेंड एंड थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, तो ना अमेरिका तैयार होगा ना रशिया तैयार होगा। ठीक है, इन पास भी नहीं हुआ था। और जो बहुत बड़ी चीज जो इस पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है इसमें आधे से ज्यादा इट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितना एमिनेशन वो दिखा रहे हैं जो उड़ाया जा रहा है, दुनिया का एमिनेशन पिछले 1 साल के अंदर 1 महीने में खत्म हो चुका होता और 11 महीने से कोई एमिनेशन नहीं बचता, चाहे कितनी भी एमिनेशन बनाना शुरू कर दें।
तो ये जो दिखाया जा रहा है इट इज मच लेस। ठीक है, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाया जा रहा है, उनमें अंतर करना पड़ेगा। नेटो देशों में रूस के फाइटर जेट्स की इस बीच डायरेक्ट घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। पोलैंड एयर स्पेस में दिखे रूस के 3 फाइटर जेट्स, ये बड़ी घटना है। नेदरलैंड्स के 2 F-35 ने रूस के फाइटर जेट्स को रोका। नेदरलैंड्स के रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड को इसकी जानकारी दी है। 13 फरवरी को देर रात विमान को इंटरसेप्ट किया गया। तो देखिए कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु, बहुत कुछ ऐसा है जो वाया बेलारूस घटता हुआ नजर आ रहा है, बहुत कुछ वाया पोलैंड हो रहा है, क्या समझ पा रही हैं आप? समीर, आपने बिल्कुल सही बात कही। एक तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तो चल ही रहा है दोनों देशों, या मैं कहूँ कि नाटो वर्सेस रशिया के बीच, इसके साथ साथ दोनों ही अपने नए नए चेहरे लेकर सामने आ रहे हैं। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है, वो अमेरिका की एयर स्पेस में अपने जासूसी बलून्स भेज रहा है। यहाँ आप देखिए तो रशियन फाइटर जेट्स जो हैं वो नाटो कंट्रीज की एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर आप जब नाटो कंट्रीज को देखेंगे तो वो अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करके रशिया को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के होते हुए एक साल तक ये युद्ध चल गया और अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है। ये बड़ी एक दुखद बात है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि पुतिन एक जो पीस मील अप्रोच अपनाते आए थे कि एक एक जगह हमला कर रहे थे यूक्रेन पर, अब शायद वो अजाइल स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि एक साथ कई सारे ठिकानों को टारगेट करके शायद एक साल पूरा होने पर वो हमला करें। नहीं, ठीक है, लेकिन इतनी तो बात तय है कि बेचैनी पूरे यूरोप की और दुनिया की बड़ी हुई है। जिस तरह की तैयारियां, जिस तरह की हलचल इस वक्त रूस में और इस पूरे रीजन में नजर आ रही हैं, और इधर बाल्टिक सी में रूस की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। रूस ने की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती, नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है। रूस के इस कदम से पोलैंड स्वीडन की टेंशन बढ़ी हुई है। तो नॉर्वे की खुफिया एजेंसी की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन के बीच देखिए तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टेंशन में और इजाफा हुआ है। बाल्टिक सी में दरअसल रूस के इस बड़े एक्शन के मायने क्या हैं, मतलब क्या हैं? रूस ने जो परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की है, ये आखिर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? रवि, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये जो तैयारियां हैं समीर, यही तो चिंता का विषय है। जितने अनुमान, जितने आकलन और जितना डर भय न्यूक्लियर वॉर का दिखाया जा रहा है, उस सब के पीछे ये सारी पोस्चरिंग है। अब ये रियल है या सिर्फ धमकाने, डराने या भय पैदा करने की कोशिश है, ये तो पुतिन ही जानते हैं। बिल्कुल, और देखिए पुतिन का न्यूक्लियर वेपन नाटो को कैसे दे रहा है भारी टेंशन। अब इससे जुड़ी अहम डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 30 साल में पहली बार रूस ने बाल्टिक सागर में परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी है। पनडुब्बी लंबी दूरी तक मार करने वाली है, घातक क्रूज मिसाइलों से लैस है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार इलाके में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की गई है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। रूसी सबमरीन पर न्यूक्लियर वेपन नाटो के लिए दरअसल बहुत बड़ा खतरा है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। चतुर्वेदी जी, इस रीजन में ये जो टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये आखिर किस मकाम तक जा सकती है आने वाले वक्त में? आसार क्या नजर आते हैं? ये जो आपने नॉर्थ, ये बाल्टिक सी की बात करी है, अगर बाल्टिक सी से आप एज ए क्रो फ्लाइज देखा जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ 350 किलोमीटर है। तो विद फिनलैंड गोइंग टूवर्ड्स नेटो, स्वीडन गोइंग टूवर्ड्स नेटो, ये रीजन जो है ये रशिया के लिए इसका जो बैक साइड में प्रॉब्लम देने वाला था। तो ये जो उन्होंने पनडुब्बी तैयार किया, वो सब जितने नेटो के साथी हैं, चाहे वो बाल्टिक रिपब्लिक्स हो, सब उधर से गायब हो जाएंगे। तो ये एक तरह से उनका एक डेटरेंस का एक्शन है, जिससे कि उनके अपने जो मेन लैंड को उसको बचाने के लिए। और इसको हमें देखना चाहिए साथ में दो चीज़ें और, ख़ास तौर पर अगर आप देखिए स्नेक आइलैंड पर उन्होंने जो ब्लैक सी में कब्जा कर लिया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया यूक्रेन ने। दूसरा, सुमी और खार्की पे वो बमबारी कर रहे हैं। तो ये जो दिखा रहे हैं, जिससे कि जितना कि बाकमुक के ऊपर जो यूक्रेन का और खेरसोन पे है, वो यूक्रेन का वो जोर कम हो जाए, और जिससे कि उनको जो उनके डॉनबास एरिया में जो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं,
नमस्कार, स्वागत है आपका वॉर जोन से आ रही हर बड़ी खबर पर अपडेट के साथ। हम हाजिर हैं आपके साथ, मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर, अंजलि और रवि भी कर रहे हैं हमें ज्वाइन। एक एक बड़ी खबर और एनालिसिस। 24 फरवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है और तेजी से बदल रहे घटनाक्रम ने क्या पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है? बड़ा सवाल, क्योंकि दो दिन बाद पुतिन जा रहे हैं बेलारूस, वहीं बाइडेन भी 20 से 22 फरवरी तक रहेंगे पोलैंड में मौजूद। जी हां सुरभि, दो महाशक्तियां सीधे सीधे महायुद्ध की तरफ एक तरह से कहा जा सकता है बढ़ रही हैं। एक तरफ रूस बेलारूस से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं रूस ने बाल्टिक सी में परमाणु पनडुब्बी तैनात कर पोलैंड की भी टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर पुतिन ने सीधे सीधे बाइडेन को चैलेंज किया है। रूस यूक्रेन युद्ध और बाइडेन पुतिन में तनातनी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, और सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की एक बड़ी तैयारी है। बेरेंट्स सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान भर दी है। नॉर्वेजियन सी के ऊपर भी रूस ने बॉम्बर्स उड़ाए हैं, तो एक बार फिर से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो गया है, क्योंकि 24 फरवरी की तारीख बेहद नजदीक आ गई है। 24 फरवरी जब एक साल पूरे हो जाएंगे यूक्रेन पर रूस की ओर से किए गए हमले को लेकर, और व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को ये सख्त निर्देश दिया है कि 24 फरवरी तक एक बड़ा टारगेट अचीव कर लेना है यूक्रेन के ऊपर। तो देखिए रूस की महाविध्वंसक तैयारी क्या है, रूस आखिर करना क्या चाहता है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है। बेरेंट्स सी और नॉर्वेजियन सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं। मकसद क्या है यह जानने की कोशिश होगी। दोनों न्यूक्लियर बॉम्बर्स 13 घंटे तक हवा में रहे, हवा में ही दोनों बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग भी हुई। MiG-31 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट किया और उसकी कुछ बहुत खास तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत, एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तिवारी साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन तैयारियों को ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि सिर्फ 8 दिन बचे हैं, 8 दिन के बाद कुछ ऐसा होगा कि शायद नक्शे से नामो निशान मिट जाए यूक्रेन का, रूस कुछ ऐसा करने वाला है, क्या उसकी तैयारियां नजर आ रही? समीर, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही, लेकिन न्यूक्लियर अटैक का जहां सवाल है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन ये जो बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे हैं, फाइटर्स फ्लाई कर रहे हैं, इवन देखा आपने दिखाया कि हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग करके भी टारगेट कर रहा है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन तभी होता है जब पूरी एयर सुपीरियरिटी गेन कर लेता है। मींस रशिया, इट मींस कि रशिया ने काफी गेन कर रखा है और यूक्रेन की जो एयर डिफेंस इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो लो फ्लाइंग और स्लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को भी नहीं टारगेट कर पा रहे हैं। लेकिन जहां तक 24 का सवाल है, आप पूरी तरह सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही। अगर ये डोनबास रीजन में अगर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते अटैक करने के लिए, तो ये छिटपुट अटैक रिमोट यूक्रेन में, मे बी ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन में कुछ ब्लास्टिक मिसाइल्स का स्ट्राइक होगा, जिसमें पब्लिक के लिए एक न्यूसेंस होगा, दैट विल जनरेट एन नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द 24 तारीख को लेकर हर तरह का अनुमान लगाया जा रहा। और स्पीच देखिए, डोनेस्क में रूस ने यूक्रेनी आर्मी के खिलाफ खोला मोर्चा, रूसी ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट कई इलाकों में, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी बारिश, रूस के हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। और रूसी परमाणु बे बॉम्बर ने भी उड़ान भरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी सीमा के पास रूसी बॉम्बर्स की ये उड़ान क्या बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि अलास्का के पास रूस ने क्या एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। अब रूस की तरफ से बकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया है। और
अब इसके बारे में कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं। रूसी बॉम्बर की उड़ान अमेरिका को सीधा चैलेंज, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे समझिए। अलास्का के पास रूस के दो TU-95 मिसाइल बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है अमेरिकी एयर स्पेस के काफी करीब, ये देखा गया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर पहुंच गया अमेरिकी सीमा के पास, उड़ान भरते हुए नजर आया है। और रूस ने भी अपनी ताकत दिखाई है, पुतिन के पोलैंड दौरे से पहले रूसी बॉम्बर्स की उड़ान, बाइडेन को डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है। बॉम्बर्स उड़ाकर रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है और कहा यह भी जा रहा है कि अब पुतिन के जो इरादे हैं वो काफी विध्वंसक हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी सर, क्या इसे सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधा चैलेंज रूस की ओर से माना जाए? अगर न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं, 13-13 घंटे तक आसमान में रहते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, ये लड़ाई जो चल रही है इसमें दोनों साइड्स, जिसको कहते हैं कि ये वॉर ऑफ डिटरेंस है और कौन पहले आंख झपकाता है उसकी वाली बात है जी। एक तरफ से अमेरिका और पूरे EU कंट्रीज और जितने भी NATO कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करके, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लड़ाई को एक्सटेंड करते जा रहे हैं यूक्रेन में। दूसरी तरफ रशिया ये दिखा रहा है, पहली चीज़ मैं AVM तिवारी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि न्यूक्लियर वॉर की कोई संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि दोनों के पास सेकेंड एंड थर्ड स्ट्राइक केपेबिलिटी है, तो ना अमेरिका तैयार होगा ना रशिया तैयार होगा, ठीक है, इन पास भी नहीं हुआ था। और जो बहुत बड़ी चीज जो इस पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है इसमें आधे से ज्यादा इट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितना एमिनिशन वो दिखा रहे हैं जो उड़ाया जा रहा है, दुनिया का एमिनिशन पिछले एक साल के अंदर एक महीने में खत्म हो चुका होता और 11 महीने से कोई एमिनिशन नहीं बचता, चाहे कितनी भी एमिनिशन बनाना शुरू कर दे। तो ये जो दिखाया जा रहा है इट इज मच लेस, ठीक है, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाया जा रहा है, उनमें अंतर करना पड़ेगा। नेटो देशों में रूस के फाइटर जेट्स की इस बीच डायरेक्ट घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। पोलैंड एयर स्पेस में दिखे रूस के 3 फाइटर जेट्स, ये बड़ी घटना है। नेदरलैंड्स के 2 F-35 ने रूस के फाइटर जेट्स को रोका। नेदरलैंड्स के रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड को इसकी जानकारी दी है। 13 फरवरी को देर रात विमान को इंटरसेप्ट किया गया। तो देखिए, कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु, बहुत कुछ ऐसा है जो वाया बेलारूस घटता हुआ नजर आ रहा है, बहुत कुछ वाया पोलैंड हो रहा है, क्या समझ पा रही हैं आप? समीर, आपने बिल्कुल सही बात कही। एक तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तो चल ही रहा है दोनों देशों, या मैं कहूँ कि नाटो वर्सेस रशिया के बीच, इसके साथ साथ दोनों ही अपने नए नए चेहरे लेकर सामने आ रहे हैं। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है, वो अमेरिका की एयर स्पेस में अपने जासूसी बलून्स भेज रहा है। यहाँ आप देखिए तो रशियन फाइटर जेट्स जो हैं वो नाटो कंट्रीज की एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर आप जब नाटो कंट्रीज को देखेंगे तो वो अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करके रशिया को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के होते हुए एक साल तक ये युद्ध चल गया और अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है। ये बड़ी एक दुखद बात है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि पुतिन एक जो पीस मील अप्रोच अपनाते आए थे कि एक एक जगह हमला कर रहे थे यूक्रेन पर, अब शायद वो अजाइल स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि एक साथ कई सारे ठिकानों को टारगेट करके शायद एक साल पूरा होने पर वो हमला करें। नहीं, ठीक है, लेकिन इतनी तो बात तय है कि बेचैनी पूरे यूरोप की और दुनिया की बढ़ी हुई है। जिस तरह की तैयारियां, जिस तरह की हलचल इस वक्त रूस में और इस पूरे रीजन में नजर आ रही हैं, और इधर बाल्टिक सी में रूस की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। रूस ने की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती, नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है। रूस के इस कदम से पोलैंड स्वीडन की टेंशन बढ़ी हुई है। तो नॉर्वे की खुफिया एजेंसी की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन के बीच देखिए तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टेंशन में और इजाफा हुआ है। बाल्टिक सी में दरअसल रूस के इस बड़े एक्शन के मायने क्या हैं, मतलब क्या हैं? रूस ने जो परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की है, ये आखिर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? रवि, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये जो तैयारियां हैं समीर, यही तो चिंता का विषय है। जितने अनुमान, जितने आकलन और जितना डर भय न्यूक्लियर वॉर का दिखाया जा रहा है, उस सब के पीछे ये सारी पोस्चरिंग है। अब ये रियल है या सिर्फ धमकाने, डराने या भय पैदा करने की कोशिश है, ये तो पुतिन ही जानते हैं।
बिल्कुल, और देखिए पुतिन का न्यूक्लियर वेपन नाटो को कैसे दे रहा है भारी टेंशन। अब इससे जुड़ी अहम डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 30 साल में पहली बार रूस ने बाल्टिक सागर में परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी है। पनडुब्बी लंबी दूरी तक मार करने वाली है, घातक क्रूज मिसाइलों से लैस है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार इलाके में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की गई है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। रूसी सबमरीन पर न्यूक्लियर वेपन नाटो के लिए दरअसल बहुत बड़ा खतरा है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। चतुर्वेदी जी, इस रीजन में ये जो टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये आखिर किस मकाम तक जा सकती है आने वाले वक्त में? आसार क्या नजर आते हैं? ये जो आपने नॉर्थ, ये बाल्टिक सी की बात करी है, अगर बाल्टिक सी से आप एज ए क्रो फ्लाइज देखा जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ 350 किलोमीटर है। तो विद फिनलैंड गोइंग टूवर्ड्स नेटो, स्वीडन गोइंग टूवर्ड्स नेटो, ये रीजन जो है ये रशिया के लिए इसका जो बैक साइड में प्रॉब्लम देने वाला था। तो ये जो उन्होंने पनडुब्बी तैयार किया, वो सब जितने नेटो के साथी हैं, चाहे वो बाल्टिक रिपब्लिक्स हो, सब उधर से गायब हो जाएंगे। तो ये एक तरह से उनका एक डेटरेंस का एक्शन है, जिससे कि उनके अपने जो मेन लैंड को उसको बचाने के लिए। और इसको हमें देखना चाहिए साथ में दो चीज़ें और, खास तौर पे अगर आप देखिए स्नेक आइलैंड पे उन्होंने जो ब्लैक सी में कब्जा कर लिया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया यूक्रेन ने। दूसरा सुमी और खार्किव पे वो बमबारी कर रहे हैं। तो ये जो दिखा रहे हैं, जिससे कि जितना कि बाकमुक के ऊपर जो यूक्रेन का और खेरसोन पे है, वो यूक्रेन का वो जोर कम हो जाए, और जिससे कि उनको जो उनके डॉनबास एरिया में जो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉर जोन से आ रही हर बड़ी खबर पर अपडेट के साथ। हम हाजिर हैं आपके साथ, मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर, अंजलि और रवि भी कर रहे हैं हमें ज्वाइन। एक एक बड़ी खबर और एनालिसिस। 24 फरवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है और तेजी से बदल रहे घटनाक्रम ने क्या पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है? बड़ा सवाल, क्योंकि दो दिन बाद पुतिन जा रहे हैं बेलारूस, वहीं बाइडेन भी 20 से 22 फरवरी तक रहेंगे पोलैंड में मौजूद। जी हां सुरभि, दो महाशक्तियां सीधे सीधे महायुद्ध की तरफ एक तरह से कहा जा सकता है बढ़ रही हैं। एक तरफ रूस बेलारूस से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं रूस ने बाल्टिक सी में परमाणु पनडुब्बी तैनात कर पोलैंड की भी टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर पुतिन ने सीधे सीधे बाइडेन को चैलेंज किया है। रूस यूक्रेन युद्ध और बाइडेन पुतिन में तनातनी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, और सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की एक बड़ी तैयारी है। बेरेंट्स सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान भर दी है। नॉर्वेजियन सी के ऊपर भी रूस ने बॉम्बर्स उड़ाए हैं। तो एक बार फिर से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो गया है, क्योंकि 24 फरवरी की तारीख बेहद नजदीक आ गई है। 24 फरवरी जब एक साल पूरे हो जाएंगे यूक्रेन पर रूस की ओर से किए गए हमले को लेकर, और व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को ये सख्त निर्देश दिया है कि 24 फरवरी तक एक बड़ा टारगेट अचीव कर लेना है यूक्रेन के ऊपर। तो देखिए रूस की महाविध्वंसक तैयारी क्या है, रूस आखिर करना क्या चाहता है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है। बेरेंट्स सी और नॉर्वेजियन सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं। मकसद क्या है ये जानने की कोशिश होगी। दोनों न्यूक्लियर बॉम्बर्स 13 घंटे तक हवा में रहे, हवा में ही दोनों बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग भी हुई। MiG-31 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट किया और उसकी कुछ बहुत खास तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत, एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तिवारी साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन तैयारियों को ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि सिर्फ 8 दिन बचे हैं, 8 दिन के बाद कुछ ऐसा होगा कि शायद नक्शे से नामो निशान मिट जाए यूक्रेन का, रूस कुछ ऐसा करने वाला है, क्या उसकी तैयारियां नजर आ रही? समीर, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही,
लेकिन न्यूक्लियर अटैक का जहाँ सवाल है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन ये जो बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे हैं, फाइटर्स फ्लाई कर रहे हैं, इवन देखा आपने दिखाया कि हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग करके भी टारगेट कर रहा है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन तभी होता है जब पूरी एयर सुपीरियरिटी गेन कर लेता है। मीन्स रशिया, इट मीन्स कि रशिया ने काफी गेन कर रखा है और यूक्रेन की जो एयर डिफेंस इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो लो फ्लाइंग और स्लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को भी नहीं टारगेट कर पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक 24 का सवाल है, आप पूरी तरह सहमत हूँ, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही। अगर ये डोनबास रीजन में अगर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते अटैक करने के लिए, तो ये छिटपुट अटैक रिमोट यूक्रेन में, मे बी ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन में कुछ ब्लास्टिक मिसाइल्स का स्ट्राइक होगा, जिसमें पब्लिक के लिए एक न्यूसेंस होगा, दैट विल जनरेट एन नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द 24 तारीख को लेकर हर तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। और स्पीच देखिए, डोनेस्क में रूस ने यूक्रेनी आर्मी के खिलाफ खोला मोर्चा, रूसी ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट, कई इलाकों में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी बारिश, रूस के हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। और रूसी परमाणु बे बॉम्बर ने भी उड़ान भरी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां अमेरिकी सीमा के पास रूसी बॉम्बर्स की ये उड़ान क्या बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि अलास्का के पास रूस ने क्या एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। अब रूस की तरफ से बकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया है। और अब इसके बारे में कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं। रूसी बॉम्बर की उड़ान अमेरिका को सीधा चैलेंज, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे समझिए। अलास्का के पास रूस के दो TU-95 मिसाइल बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है, अमेरिकी एयर स्पेस के काफी करीब ये देखा गया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर पहुंच गया अमेरिकी सीमा के पास, उड़ान भरते हुए नजर आया है और रूस ने भी अपनी ताकत दिखाई है। पुतिन के पोलैंड दौरे से पहले रूसी बॉम्बर्स की उड़ान, बाइडेन को डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है। बॉम्बर्स उड़ाकर रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है और कहा यह भी जा रहा है कि अब पुतिन के जो इरादे हैं वो काफी विध्वंसक हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी सर, क्या इसे सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधा चैलेंज रूस की ओर से माना जाए? अगर न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं, 13-13 घंटे तक आसमान में रहते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, ये लड़ाई जो चल रही है इसमें दोनों साइड्स जिसको कहते हैं कि ये वॉर ऑफ डिटरेंस है और कौन पहले आंख झपकाता है उसकी वाली बात है जी। एक तरफ से अमेरिका और पूरे EU कंट्रीज और जितने भी नेटो कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करके, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लड़ाई को एक्सटेंड करते जा रहे हैं यूक्रेन में। दूसरी तरफ रशिया ये दिखा रहा है, पहली चीज़ मैं AVM तिवारी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि न्यूक्लियर वॉर की कोई संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि दोनों के पास सेकेंड एंड थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, तो ना अमेरिका तैयार होगा ना रशिया तैयार होगा। ठीक है, इन पास भी नहीं हुआ था। और जो बहुत बड़ी चीज जो इस पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है इसमें आधे से ज्यादा इट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितना एमिनेशन वो दिखा रहे हैं जो उड़ाया जा रहा है, दुनिया का एमिनेशन पिछले एक साल के अंदर एक महीने में खत्म हो चुका होता और 11 महीने से कोई एमिनेशन नहीं बचता, चाहे कितनी भी एमिनेशन बनाना शुरू कर दे। तो ये जो दिखाया जा रहा है इट इज मच लेस। ठीक है, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाया जा रहा है, उनमें अंतर करना पड़ेगा। नेटो देशों में रूस के फाइटर जेट्स की इस बीच डायरेक्ट घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। पोलैंड एयर स्पेस में दिखे रूस के 3 फाइटर जेट्स, ये बड़ी घटना है। नेदरलैंड्स के 2 F-35 ने रूस के फाइटर जेट्स को रोका। नेदरलैंड्स के रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड को इसकी जानकारी दी है। 13 फरवरी को देर रात विमान को इंटरसेप्ट किया गया। तो देखिए, कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु, बहुत कुछ ऐसा है जो वाया बेलारूस घटता हुआ नजर आ रहा है, बहुत कुछ वाया पोलैंड हो रहा है, क्या समझ पा रही हैं आप? समीर, आपने बिल्कुल सही बात कही। एक तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तो चल ही रहा है दोनों देशों, या मैं कहूँ कि नाटो वर्सेस रशिया के बीच, इसके साथ साथ दोनों ही अपने नए नए चेहरे लेकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है,
वो अमेरिका के एयर स्पेस में अपने जासूसी बलून्स भेज रहा है। यहाँ आप देखिए तो रशियन फाइटर जेट्स जो हैं वो नाटो कंट्रीज की एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर आप जब नाटो कंट्रीज को देखेंगे तो वो अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करके रशिया को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के होते हुए एक साल तक ये युद्ध चल गया और अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है। ये बड़ी एक दुखद बात है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि पुतिन एक जो पीस मील अप्रोच अपनाते आए थे कि एक एक जगह हमला कर रहे थे यूक्रेन पर, अब शायद वो अजाइल स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि एक साथ कई सारे ठिकानों को टारगेट करके शायद एक साल पूरा होने पर वो हमला करें। नहीं ठीक है, लेकिन इतनी तो बात तय है कि बेचैनी पूरे यूरोप की और दुनिया की बढ़ी हुई है। जिस तरह की तैयारियां, जिस तरह की हलचल इस वक्त रूस में और इस पूरे रीजन में नजर आ रही हैं, और इधर बाल्टिक सी में रूस की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। रूस ने की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती, नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है। रूस के इस कदम से पोलैंड स्वीडन की टेंशन बढ़ी हुई है। तो नॉर्वे की खुफिया एजेंसी की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन के बीच देखिए तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टेंशन में और इजाफा हुआ है। बाल्टिक सी में दरअसल रूस के इस बड़े एक्शन के मायने क्या हैं, मतलब क्या हैं? रूस ने जो परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की है, ये आखिर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? रवि, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये जो तैयारियां हैं समीर, यही तो चिंता का विषय है। जितने अनुमान, जितने आकलन और जितना डर भय न्यूक्लियर वॉर का दिखाया जा रहा है, उस सब के पीछे ये सारी पोस्चरिंग है। अब ये रियल है या सिर्फ धमकाने, डराने या भय पैदा करने की कोशिश है, ये तो पुतिन ही जानते हैं। बिल्कुल, और देखिए पुतिन का न्यूक्लियर वेपन नाटो को कैसे दे रहा है भारी टेंशन। अब इससे जुड़ी अहम डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 30 साल में पहली बार रूस ने बाल्टिक सागर में परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी है। पनडुब्बी लंबी दूरी तक मार करने वाली है, घातक क्रूज मिसाइलों से लैस है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार इलाके में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की गई है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। रूसी सबमरीन पर न्यूक्लियर वेपन नाटो के लिए दरअसल बहुत बड़ा खतरा है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। चतुर्वेदी जी, इस रीजन में ये जो टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये आखिर किस मकाम तक जा सकती है आने वाले वक्त में? आसार क्या नजर आते हैं? ये जो आपने नॉर्थ, ये बाल्टिक सी की बात करी है, अगर बाल्टिक सी से आप एज ए क्रो फ्लाइज देखा जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ 350 किलोमीटर है। तो विद फिनलैंड गोइंग टूवर्ड्स नेटो, स्वीडन गोइंग टूवर्ड्स नेटो, ये रीजन जो है ये रशिया के लिए इसका जो बैक साइड में प्रॉब्लम देने वाला था। तो ये जो उन्होंने पनडुब्बी तैयार किया, वो सब जितने नेटो के साथी हैं, चाहे वो बाल्टिक रिपब्लिक्स हो, सब उधर से गायब हो जाएंगे। तो ये एक तरह से उनका एक डेटरेंस का एक्शन है, जिससे कि उनके अपने जो मेन लैंड को उसको बचाने के लिए। और इसको हमें देखना चाहिए साथ में दो चीज़ें और, ख़ास तौर पर अगर आप देखिए स्नेक आइलैंड पर उन्होंने जो ब्लैक सी में कब्जा कर लिया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया यूक्रेन ने। दूसरा, सुमी और खार्की पे वो बमबारी कर रहे हैं, तो ये जो दिखा रहे हैं जिससे कि जितना कि बाकमुक के ऊपर जो यूक्रेन का और खेरसोन पे है, वो यूक्रेन का वो जोर कम हो जाए और जिससे कि उनको जो उनके डॉनबास एरिया में जो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉर जोन से। आ रही हर बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ। मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर, अंजलि और रवि भी कर रहे हैं हमें ज्वाइन। एक एक बड़ी खबर और एनालिसिस। 24 फरवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है और तेजी से बदल रहे घटनाक्रम ने क्या पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है? बड़ा सवाल, क्योंकि दो दिन बाद पुतिन जा रहे हैं बेलारूस, वहीं बाइडेन भी 20 से 22 फरवरी तक रहेंगे पोलैंड में मौजूद। जी हाँ सुरभि, दो महाशक्तियां सीधे सीधे महायुद्ध की तरफ एक तरह से कहा जा सकता है बढ़ रही हैं। एक तरफ रूस बेलारूस से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं रूस ने बाल्टिक सी में परमाणु पनडुब्बी तैनात कर पोलैंड की भी टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर पुतिन ने सीधे सीधे बाइडेन को चैलेंज किया है। रूस यूक्रेन युद्ध और बाइडेन पुतिन में तनातनी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, और सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की एक बड़ी तैयारी है। बेरेंट्स सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान भर दी है।
नॉर्वेजियन सी के ऊपर भी रूस ने बॉम्बर्स उड़ाए हैं, तो एक बार फिर से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो गया है, क्योंकि 24 फरवरी की तारीख बेहद नजदीक आ गई है। 24 फरवरी जब एक साल पूरे हो जाएंगे यूक्रेन पर रूस की ओर से किए गए हमले को लेकर, और व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को ये सख्त निर्देश दिया है कि 24 फरवरी तक एक बड़ा टारगेट अचीव कर लेना है यूक्रेन के ऊपर। तो देखिए रूस की महाविध्वंसक तैयारी क्या है, रूस आखिर करना क्या चाहता है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है। बेरेंट्स सी और नॉर्वेजियन सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं। मकसद क्या है यह जानने की कोशिश होगी। दोनों न्यूक्लियर बॉम्बर्स 13 घंटे तक हवा में रहे, हवा में ही दोनों बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग भी हुई। MiG-31 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट किया और उसकी कुछ बहुत खास तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तिवारी साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन तैयारियों को ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि सिर्फ 8 दिन बचे हैं, 8 दिन के बाद कुछ ऐसा होगा कि शायद नक्शे से नामो निशान मिट जाए यूक्रेन का, रूस कुछ ऐसा करने वाला है, क्या उसकी तैयारियां नजर आ रही? समीर, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही, लेकिन न्यूक्लियर अटैक का जहां सवाल है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन ये जो बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे हैं, फाइटर्स फ्लाई कर रहे हैं, इवन देखा आपने दिखाया कि हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग करके भी टारगेट कर रहा है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन तभी होता है जब पूरी एयर सुपीरियरिटी गेन कर लेता है। मींस रशिया, इट मींस कि रशिया ने काफी गेन कर रखा है और यूक्रेन की जो है डिफेंस इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो लो फ्लाइंग और स्लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को भी नहीं टारगेट कर पा रहे हैं। लेकिन जहां तक 24 का सवाल है, आप पूरी तरह सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही। अगर ये डोनबास रीजन में अगर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते अटैक करने के लिए, तो ये छिटपुट अटैक रिमोट यूक्रेन में, मे बी ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन में कुछ ब्लास्टिक मिसाइल्स का स्ट्राइक होगा, जिसमें पब्लिक के लिए एक न्यूसेंस होगा, दैट विल जनरेट एन नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द 24 तारीख को लेकर हर तरह का अनुमान लगाया जा रहा। और स्पीच देखिए, डोनेस्क में रूस ने यूक्रेनी आर्मी के खिलाफ खोला मोर्चा, रूसी ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट कई इलाकों में, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी बारिश, रूस के हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। और रूसी परमाणु बे बॉम्बर ने भी उड़ान भरी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी सीमा के पास रूसी बॉम्बर्स की ये उड़ान क्या बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि अलास्का के पास रूस ने क्या एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। अब रूस की तरफ से बकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया है। और अब इसके बारे में कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं। रूसी बॉम्बर की उड़ान अमेरिका को सीधा चैलेंज, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे समझिए। अलास्का के पास रूस के 2 TU-95 मिसाइल बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है, अमेरिकी एयर स्पेस के काफी करीब ये देखा गया है, और साथ ही बताया जा रहा है कि रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर पहुंच गया अमेरिकी सीमा के पास, उड़ान भरते हुए नजर आया है, और रूस ने भी अपनी ताकत दिखाई है। पुतिन के पोलैंड दौरे से पहले रूसी बॉम्बर्स की उड़ान, बाइडेन को डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है। बॉम्बर्स उड़ाकर रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है, और कहा यह भी जा रहा है कि अब पुतिन के जो इरादे हैं वो काफी विध्वंसक हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी सर, क्या इसे सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधा चैलेंज रूस की ओर से माना जाए? अगर न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं, 13-13 घंटे तक आसमान में रहते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, ये लड़ाई जो चल रही है इसमें दोनों साइड्स, जिसको कहते हैं कि ये वॉर ऑफ डिटरेंस है, और कौन पहले आंख झपकाता है उसकी वाली बात है जी। एक तरफ से अमेरिका और पूरे EU कंट्रीज और जितने भी नेटो कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करके, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लड़ाई को एक्सटेंड करते जा रहे हैं यूक्रेन में। दूसरी तरफ रशिया ये दिखा रहा है। पहली चीज़, मैं AVM तिवारी से पूरी तरह से सहमत हूँ
कि न्यूक्लियर वॉर की कोई संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि दोनों के पास सेकेंड एंड थर्ड स्ट्राइक केपेबिलिटी है, तो ना अमेरिका तैयार होगा ना रशिया तैयार होगा। ठीक है, इन पास भी नहीं हुआ था। और जो बहुत बड़ी चीज जो इस पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है इसमें आधे से ज्यादा इट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जितना एमिनिशन वो दिखा रहे हैं जो उड़ाया जा रहा है, दुनिया का एमिनिशन पिछले एक साल के अंदर एक महीने में खत्म हो चुका होता और 11 महीने से कोई एमिनिशन नहीं बचता, चाहे कितनी भी एमिनिशन बनाना शुरू कर दे। तो ये जो दिखाया जा रहा है इट इज मच लेस। ठीक है, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाया जा रहा है, उनमें अंतर करना पड़ेगा। नेटो देशों में रूस के फाइटर जेट्स की इस बीच डायरेक्ट घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। पोलैंड एयर स्पेस में दिखे रूस के 3 फाइटर जेट्स, ये बड़ी घटना है। नेदरलैंड्स के 2 F-35 ने रूस के फाइटर जेट्स को रोका। नेदरलैंड्स के रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड को इसकी जानकारी दी है। 13 फरवरी को देर रात विमान को इंटरसेप्ट किया गया। तो देखिए, कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु, बहुत कुछ ऐसा है जो वाया बेलारूस घटता हुआ नजर आ रहा है, बहुत कुछ वाया पोलैंड हो रहा है, क्या समझ पा रही हैं आप? समीर, आपने बिल्कुल सही बात कही। एक तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तो चल ही रहा है दोनों देशों, या मैं कहूँ कि नाटो वर्सेस रशिया के बीच, इसके साथ साथ दोनों ही अपने नए नए चेहरे लेकर सामने आ रहे हैं। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है, वो अमेरिका की एयर स्पेस में अपने जासूसी बलून्स भेज रहा है। यहाँ आप देखिए तो रशियन फाइटर जेट्स जो हैं वो नाटो कंट्रीज की एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर आप जब नाटो कंट्रीज को देखेंगे तो वो अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करके रशिया को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के होते हुए एक साल तक ये युद्ध चल गया और अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है। ये बड़ी एक दुखद बात है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि पुतिन एक जो पीस मील अप्रोच अपनाते आए थे कि एक एक जगह हमला कर रहे थे यूक्रेन पर, अब शायद वो अजाइल स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि एक साथ कई सारे ठिकानों को टारगेट करके शायद एक साल पूरा होने पर वो हमला करें। नहीं, ठीक है, लेकिन इतनी तो बात तय है कि बेचैनी पूरे यूरोप की और दुनिया की बड़ी हुई है। जिस तरह की तैयारियां, जिस तरह की हलचल इस वक्त रूस में और इस पूरे रीजन में नजर आ रही हैं, और इधर बाल्टिक सी में रूस की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। रूस ने की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती, नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है। रूस के इस कदम से पोलैंड स्वीडन की टेंशन बढ़ी हुई है। तो नॉर्वे की खुफिया एजेंसी की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन के बीच देखिए तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टेंशन में और इजाफा हुआ है। बाल्टिक सी में दरअसल रूस के इस बड़े एक्शन के मायने क्या हैं, मतलब क्या हैं? रूस ने जो परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की है, ये आखिर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? रवि, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये जो तैयारियां हैं समीर, यही तो चिंता का विषय है। जितने अनुमान, जितने आकलन और जितना डर भय न्यूक्लियर वॉर का दिखाया जा रहा है, उस सब के पीछे ये सारी पोस्चरिंग है। अब ये रियल है या सिर्फ धमकाने, डराने या भय पैदा करने की कोशिश है, ये तो पुतिन ही जानते हैं। बिल्कुल, और देखिए पुतिन का न्यूक्लियर वेपन नाटो को कैसे दे रहा है भारी टेंशन। अब इससे जुड़ी अहम डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 30 साल में पहली बार रूस ने बाल्टिक सागर में परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी है। पनडुब्बी लंबी दूरी तक मार करने वाली है, घातक क्रूज मिसाइलों से लैस है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार इलाके में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की गई है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। रूसी सबमरीन पर न्यूक्लियर वेपन नाटो के लिए दरअसल बहुत बड़ा खतरा है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। चतुर्वेदी जी, इस रीजन में ये जो टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये आखिर किस मकाम तक जा सकती है आने वाले वक्त में, आसार क्या नजर आते हैं? ये जो आपने नॉर्थ, ये बाल्टिक सी की बात करी है, अगर बाल्टिक सी से आप एज ए क्रो फ्लाइज देखा जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ 350 किलोमीटर है। तो विद फिनलैंड गोइंग टूवर्ड्स नेटो, स्वीडन गोइंग टूवर्ड्स नेटो, ये रीजन जो है ये रशिया के लिए इसका जो बैक साइड में प्रॉब्लम देने वाला था। तो ये जो उन्होंने पनडुब्बी तैयार किया, वो सब जितने नेटो के साथी हैं, चाहे वो बाल्टिक रिपब्लिक्स हो, सब उधर से गायब हो जाएंगे।
तो ये एक तरह से उनका एक डेटरेंस का एक्शन है, जिससे कि उनके अपने जो मेन लैंड को उसको बचाने के लिए, और इसको हमें देखना चाहिए साथ में दो चीज़ें और खास तौर पे। अगर आप देखिए स्नेक आइलैंड पे उन्होंने जो ब्लैक सी में कब्जा कर लिया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया यूक्रेन ने, दूसरा सुमी और खार्किव पे वो बमबारी कर रहे हैं, तो ये जो दिखा रहे हैं जिससे कि जितना कि बाकमुक के ऊपर जो यूक्रेन का और खेरसोन पे है वो यूक्रेन का वो जोर कम हो जाए, और जिससे कि उनको जो उनके डॉनबास एरिया में जो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉर जोन से आ रही हर बड़ी खबर पर अपडेट के साथ। हम हाजिर हैं आपके साथ, मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर, अंजलि और रवि भी कर रहे हैं हमें ज्वाइन। एक एक बड़ी खबर और एनालिसिस। 24 फरवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है और तेजी से बदल रहे घटनाक्रम ने क्या पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है? बड़ा सवाल, क्योंकि दो दिन बाद पुतिन जा रहे हैं बेलारूस, वहीं बाइडेन भी 20 से 22 फरवरी तक रहेंगे पोलैंड में मौजूद। जी हां सुरभि, दो महाशक्तियां सीधे सीधे महायुद्ध की तरफ एक तरह से कहा जा सकता है बढ़ रही हैं। एक तरफ रूस बेलारूस से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं रूस ने बाल्टिक सी में परमाणु पनडुब्बी तैनात कर पोलैंड की भी टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर पुतिन ने सीधे सीधे बाइडेन को चैलेंज किया है। रूस यूक्रेन युद्ध और बाइडेन पुतिन में तनातनी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, और सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की एक बड़ी तैयारी है। बेरेंट्स सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान भर दी है। नॉर्वेजियन सी के ऊपर भी रूस ने बॉम्बर्स उड़ाए हैं, तो एक बार फिर से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो गया है, क्योंकि 24 फरवरी की तारीख बेहद नजदीक आ गई है। 24 फरवरी जब एक साल पूरे हो जाएंगे यूक्रेन पर रूस की ओर से किए गए हमले को लेकर, और व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को ये सख्त निर्देश दिया है कि 24 फरवरी तक एक बड़ा टारगेट अचीव कर लेना है यूक्रेन के ऊपर। तो देखिए रूस की महाविध्वंसक तैयारी क्या है, रूस आखिर करना क्या चाहता है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है। बेरेंट्स सी और नॉर्वेजियन सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं। मकसद क्या है यह जानने की कोशिश होगी। दोनों न्यूक्लियर बॉम्बर्स 13 घंटे तक हवा में रहे, हवा में ही दोनों बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग भी हुई। MiG-31 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट किया और उसकी कुछ बहुत खास तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तिवारी साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन तैयारियों को ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि सिर्फ 8 दिन बचे हैं, 8 दिन के बाद कुछ ऐसा होगा कि शायद नक्शे से नामो निशान मिट जाए यूक्रेन का, रूस कुछ ऐसा करने वाला है, क्या उसकी तैयारियां नजर आ रही? समीर, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही, लेकिन न्यूक्लियर अटैक का जहां सवाल है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन ये जो बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे हैं, फाइटर्स फ्लाई कर रहे हैं, इवन देखा आपने दिखाया कि हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग करके भी टारगेट कर रहा है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन तभी होता है जब पूरी एयर सुपीरियरिटी गेन कर लेता है। मींस रशिया, इट मींस कि रशिया ने काफी गेन कर रखा है और यूक्रेन की जो एयर डिफेंस इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो लो फ्लाइंग और स्लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को भी नहीं टारगेट कर पा रहे हैं। लेकिन जहां तक 24 का सवाल है, आप पूरी तरह सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही। अगर ये डोनबास रीजन में अगर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते अटैक करने के लिए, तो ये छिटपुट अटैक रिमोट यूक्रेन में, मे बी ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन में कुछ ब्लास्टिक मिसाइल्स का स्ट्राइक होगा, जिसमें पब्लिक के लिए एक न्यूसेंस होगा, दैट विल जनरेट एन नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द 24 तारीख को लेकर हर तरह का अनुमान लगाया जा रहा। और स्पीच देखिए, डोनेस्क में रूस ने यूक्रेनी आर्मी के खिलाफ खोला मोर्चा, रूसी ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट कई इलाकों में, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी बारिश, रूस के हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। और रूसी परमाणु बे बॉम्बर ने भी उड़ान भरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी सीमा के पास रूसी बॉम्बर्स की ये उड़ान
क्या बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि अलास्का के पास रूस ने क्या एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। अब रूस की तरफ से बकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया है। और अब इसके बारे में कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं। रूसी बॉम्बर की उड़ान अमेरिका को सीधा चैलेंज, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे समझिए। अलास्का के पास रूस के दो TU-95 मिसाइल बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है, अमेरिकी एयर स्पेस के काफी करीब ये देखा गया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर पहुंच गया अमेरिकी सीमा के पास, उड़ान भरते हुए नजर आया है। और रूस ने भी अपनी ताकत दिखाई है। पुतिन के पोलैंड दौरे से पहले रूसी बॉम्बर्स की उड़ान, बाइडेन को डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है। बॉम्बर्स उड़ाकर रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है और कहा यह भी जा रहा है कि अब पुतिन के जो इरादे हैं वो काफी विध्वंसक हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी सर, क्या इसे सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधा चैलेंज रूस की ओर से माना जाए? अगर न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं, 13-13 घंटे तक आसमान में रहते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, ये लड़ाई जो चल रही है इसमें दोनों साइड्स, जिसको कहते हैं कि ये वॉर ऑफ डिटरेंस है और कौन पहले आंख झपकाता है उसकी वाली बात है जी। एक तरफ से अमेरिका और पूरे EU कंट्रीज और जितने भी नेटो कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करके, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लड़ाई को एक्सटेंड करते जा रहे हैं यूक्रेन में। दूसरी तरफ रशिया ये दिखा रहा है। पहली चीज़, मैं AVM तिवारी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि न्यूक्लियर वॉर की कोई संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि दोनों के पास सेकेंड एंड थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, तो ना अमेरिका तैयार होगा ना रशिया तैयार होगा। ठीक है, इन पास भी नहीं हुआ था। और जो बहुत बड़ी चीज जो इस पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है इसमें आधे से ज्यादा इट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितना एमिनेशन वो दिखा रहे हैं जो उड़ाया जा रहा है, दुनिया का एमिनेशन पिछले एक साल के अंदर एक महीने में खत्म हो चुका होता और 11 महीने से कोई एमिनेशन नहीं बचता, चाहे कितनी भी एमिनेशन बनाना शुरू कर दे। तो ये जो दिखाया जा रहा है इट इज मच लेस। ठीक है, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाया जा रहा है, उनमें अंतर करना पड़ेगा। नेटो देशों में रूस के फाइटर जेट्स की इस बीच डायरेक्ट घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। पोलैंड एयर स्पेस में दिखे रूस के 3 फाइटर जेट्स, ये बड़ी घटना है। नेदरलैंड्स के 2 F-35 ने रूस के फाइटर जेट्स को रोका। नेदरलैंड्स के रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड को इसकी जानकारी दी है। 13 फरवरी को देर रात विमान को इंटरसेप्ट किया गया। तो देखिए, कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु, बहुत कुछ ऐसा है जो वाया बेलारूस घटता हुआ नजर आ रहा है, बहुत कुछ वाया पोलैंड हो रहा है, क्या समझ पा रही हैं आप? समीर, आपने बिल्कुल सही बात कही। एक तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तो चल ही रहा है दोनों देशों, या मैं कहूँ कि नाटो वर्सेस रशिया के बीच, इसके साथ साथ दोनों ही अपने नए नए चेहरे लेकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है, वो अमेरिका की एयर स्पेस में अपने जासूसी बलून्स भेज रहा है। यहाँ आप देखिए तो रशियन फाइटर जेट्स जो हैं वो नाटो कंट्रीज की एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर आप जब नाटो कंट्रीज को देखेंगे तो वो अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करके रशिया को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के होते हुए एक साल तक ये युद्ध चल गया और अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है। ये बड़ी एक दुखद बात है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि पुतिन एक जो पीस मील अप्रोच अपनाते आए थे कि एक एक जगह हमला कर रहे थे यूक्रेन पर, अब शायद वो अजाइल स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि एक साथ कई सारे ठिकानों को टारगेट करके शायद एक साल पूरा होने पर वो हमला करें। नहीं, ठीक है, लेकिन इतनी तो बात तय है कि बेचैनी पूरे यूरोप की और दुनिया की बड़ी हुई है। जिस तरह की तैयारियां, जिस तरह की हलचल इस वक्त रूस में और इस पूरे रीजन में नजर आ रही हैं, और इधर बाल्टिक सी में रूस की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। रूस ने की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती, नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है। रूस के इस कदम से पोलैंड स्वीडन की टेंशन बढ़ी हुई है।
तो नॉर्वे की खुफिया एजेंसी की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन के बीच देखिए तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टेंशन में और इजाफा हुआ है। बाल्टिक सी में दरअसल रूस के इस बड़े एक्शन के मायने क्या हैं, मतलब क्या हैं? रूस ने जो परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की है, ये आखिर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? रवि, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये जो तैयारियां हैं समीर, यही तो चिंता का विषय है। जितने अनुमान, जितने आकलन और जितना डर भय न्यूक्लियर वॉर का दिखाया जा रहा है, उस सब के पीछे ये सारी पोस्चरिंग है। अब ये रियल है या सिर्फ धमकाने, डराने या भय पैदा करने की कोशिश है, ये तो पुतिन ही जानते हैं। बिल्कुल, और देखिए पुतिन का न्यूक्लियर वेपन नाटो को कैसे दे रहा है भारी टेंशन। अब इससे जुड़ी अहम डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 30 साल में पहली बार रूस ने बाल्टिक सागर में परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी है। पनडुब्बी लंबी दूरी तक मार करने वाली है, घातक क्रूज मिसाइलों से लैस है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार इलाके में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की गई है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। रूसी सबमरीन पर न्यूक्लियर वेपन नाटो के लिए दरअसल बहुत बड़ा खतरा है। रूस के इस कदम से पोलैंड और स्वीडन की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। चतुर्वेदी जी, इस रीजन में ये जो टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये आखिर किस मकाम तक जा सकती है आने वाले वक्त में? आसार क्या नजर आते हैं? ये जो आपने नॉर्थ, ये बाल्टिक सी की बात करी है, अगर बाल्टिक सी से आप एज ए क्रो फ्लाइज देखा जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ 350 किलोमीटर है। तो विद फिनलैंड गोइंग टूवर्ड्स नेटो, स्वीडन गोइंग टूवर्ड्स नेटो, ये रीजन जो है ये रशिया के लिए इसका जो बैक साइड में प्रॉब्लम देने वाला था। तो ये जो उन्होंने पनडुब्बी तैयार किया, वो सब जितने नेटो के साथी हैं, चाहे वो बाल्टिक रिपब्लिक्स हो, सब उधर से गायब हो जाएंगे। तो ये एक तरह से उनका एक डेटरेंस का एक्शन है, जिससे कि उनके अपने जो मेन लैंड को उसको बचाने के लिए। और इसको हमें देखना चाहिए साथ में दो चीज़ें और, ख़ास तौर पर अगर आप देखिए स्नेक आइलैंड पे उन्होंने जो ब्लैक सी में कब्जा कर लिया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया यूक्रेन ने। दूसरा, सुमी और खार्किव पे वो बमबारी कर रहे हैं। तो ये जो दिखा रहे हैं, जिससे कि जितना कि बाकमुक के ऊपर जो यूक्रेन का और खेरसोन पे है, वो यूक्रेन का वो जोर कम हो जाए, और जिससे कि उनको जो उनके डॉनबास एरिया में जो, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉर जोन से। आ रही हर बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ। मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर, अंजलि और रवि भी कर रहे हैं हमें ज्वाइन। एक एक बड़ी खबर और एनालिसिस। 24 फरवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है और तेजी से बदल रहे घटनाक्रम ने क्या पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है? बड़ा सवाल, क्योंकि दो दिन बाद पुतिन जा रहे हैं बेलारूस, वहीं बाइडेन भी 20 से 22 फरवरी तक रहेंगे पोलैंड में मौजूद। जी हां सुरभि, दो महाशक्तियां सीधे सीधे महायुद्ध की तरफ एक तरह से कहा जा सकता है बढ़ रही हैं। एक तरफ रूस बेलारूस से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं रूस ने बाल्टिक सी में परमाणु पनडुब्बी तैनात कर पोलैंड की भी टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर पुतिन ने सीधे सीधे बाइडेन को चैलेंज किया है। रूस यूक्रेन युद्ध और बाइडेन पुतिन में तनातनी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, और सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की एक बड़ी तैयारी है। बेरेंट्स सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान भर दी है। नॉर्वेजियन सी के ऊपर भी रूस ने बॉम्बर्स उड़ाए हैं। तो एक बार फिर से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो गया है, क्योंकि 24 फरवरी की तारीख बेहद नजदीक आ गई है। 24 फरवरी जब एक साल पूरे हो जाएंगे यूक्रेन पर रूस की ओर से किए गए हमले को लेकर, और व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को ये सख्त निर्देश दिया है कि 24 फरवरी तक एक बड़ा टारगेट अचीव कर लेना है यूक्रेन के ऊपर। तो देखिए रूस की महाविध्वंसक तैयारी क्या है, रूस आखिर करना क्या चाहता है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है। बेरेंट्स सी और नॉर्वेजियन सी के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं। मकसद क्या है यह जानने की कोशिश होगी। दोनों न्यूक्लियर बॉम्बर्स 13 घंटे तक हवा में रहे, हवा में ही दोनों बॉम्बर्स की रीफ्यूलिंग भी हुई। MiG-31 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट किया और उसकी कुछ बहुत खास तस्वीरें
टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तिवारी साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन तैयारियों को ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 8 दिन बचे हैं, 8 दिन के बाद कुछ ऐसा होगा कि शायद नक्शे से नामो निशान मिट जाए यूक्रेन का, रूस कुछ ऐसा करने वाला है, क्या उसकी तैयारियां नजर आ रही? समीर, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही, लेकिन न्यूक्लियर अटैक का जहाँ सवाल है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन ये जो बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे हैं, फाइटर्स फ्लाई कर रहे हैं, इवन देखा आपने दिखाया कि हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग करके भी टारगेट कर रहा है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन तभी होता है जब पूरी एयर सुपीरियरिटी गेन कर लेता है, मींस रशिया, इट मींस कि रशिया ने काफी गेन कर रखा है और यूक्रेन की जो एयर डिफेंस इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो लो फ्लाइंग और स्लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को भी नहीं टारगेट कर पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक 24 का सवाल है, आप पूरी तरह सहमत हूँ, कुछ तो कुछ बड़ा होगा ही। अगर ये डोनबास रीजन में अगर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते अटैक करने के लिए, तो ये छिटपुट अटैक रिमोट यूक्रेन में, मे बी ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन में कुछ ब्लास्टिक मिसाइल्स का स्ट्राइक होगा, जिसमें पब्लिक के लिए एक न्यूसेंस होगा, दैट विल जनरेट एन नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द 24 तारीख को लेकर हर तरह का अनुमान लगाया जा रहा। और स्पीच देखिए, डोनेस्क में रूस ने यूक्रेनी आर्मी के खिलाफ खोला मोर्चा, रूसी ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट कई इलाकों में, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी बारिश, रूस के हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। और रूसी परमाणु बे बॉम्बर ने भी उड़ान भरी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी सीमा के पास रूसी बॉम्बर्स की ये उड़ान क्या बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि अलास्का के पास रूस ने क्या एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। अब रूस की तरफ से बकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया है। और अब इसके बारे में कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं। रूसी बॉम्बर की उड़ान अमेरिका को सीधा चैलेंज, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे समझिए। अलास्का के पास रूस के 2 TU-95 मिसाइल बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है, अमेरिकी एयर स्पेस के काफी करीब ये देखा गया है, और साथ ही बताया जा रहा है कि रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर पहुंच गया अमेरिकी सीमा के पास, उड़ान भरते हुए नजर आया है, और रूस ने भी अपनी ताकत दिखाई है। पुतिन के पोलैंड दौरे से पहले रूसी बॉम्बर्स की उड़ान, बाइडेन को डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है। बॉम्बर्स उड़ाकर रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है, और कहा यह भी जा रहा है कि अब पुतिन के जो इरादे हैं वो काफी विध्वंसक हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी सर, क्या इसे सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधा चैलेंज रूस की ओर से माना जाए? अगर न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं, 13-13 घंटे तक आसमान में रहते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, ये लड़ाई जो चल रही है इसमें दोनों साइड्स, जिसको कहते हैं कि ये वॉर ऑफ डिटरेंस है, और कौन पहले आंख झपकाता है उसकी वाली बात है जी। एक तरफ से अमेरिका और पूरे ईयू कंट्रीज और जितने भी नेटो कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करके, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लड़ाई को एक्सटेंड करते जा रहे हैं यूक्रेन में। दूसरी तरफ रशिया ये दिखा रहा है, पहली चीज़ मैं AVM तिवारी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि न्यूक्लियर वॉर की कोई संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि दोनों के पास सेकेंड एंड थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, तो ना अमेरिका तैयार होगा ना रशिया तैयार होगा, ठीक है, इन पास भी नहीं हुआ था। और जो बहुत बड़ी चीज जो इस पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है इसमें आधे से ज्यादा इट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितना एमिनेशन वो दिखा रहे हैं जो उड़ाया जा रहा है, दुनिया का एमिनेशन पिछले 1 साल के अंदर 1 महीने में खत्म हो चुका होता, और 11 महीने से कोई एमिनेशन नहीं बचता, चाहे कितनी भी एमिनेशन बनाना शुरू कर दे। तो ये जो दिखाया जा रहा है इट इज मच लेस, ठीक है, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाया जा रहा है, उनमें अंतर करना पड़ेगा। नेटो देशों में रूस के फाइटर जेट्स की इस बीच डायरेक्ट घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। पोलैंड एयर स्पेस में दिखे रूस के 3 फाइटर जेट्स, ये बड़ी घटना है। नेदरलैंड्स के 2 F-35 ने रूस के फाइटर जेट्स को रोका। नेदरलैंड्स के रक्षा